गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयमुदीरये। यं प्रवजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपानुविरह कातुराजुवाः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्थं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयतां सुतपङ्गुर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहिनि। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमन्दे कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी भक्तों से प्रार्थना है, एक बार मेरे साथ हम जोर से महामंत्र का जय घोष करेंगे। हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह, आज हमारी कथा का नृत्य दिवस। कल की कथा में भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया। आशा करता हूं कि आप सब कल की कथा के मर्म को, तात्पर्य को समझे होंगे। श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत जी के अनेक रूपक बतलाए गए। मैं इसी विषय को कल कह रहा था। भागवत जी के अनेक रूपक हैं। हमने कल सुना था सूर्य, श्रीमद् भागवत जी सूर्य की भांति है, और श्रीमद् भागवत जी का एक दूसरा रूपक है दीपक। कस्मन् ये विभासितं तुले ज्ञान प्रदीप पुरः। रात का अंधकार हो और उसमें एक दीपक जला दिया जाए, तो उस एक दीपक के कारण सारी वस्तु दिखने लग जाती है। अब समझना, थोड़ा सा सिद्धांत भी है यहाँ पर। इसका अर्थ ये नहीं कि दीपक जलाने से वस्तुएं वहां पर आ गई हैं। दीपक जलाने से वस्तु दिखने लगी है। वस्तु तो वहीं पर थी लेकिन अब वो दिख रही है। अगर कोई रस्सी पड़ी हो, उसको हम सांप मान लेते हैं, तो दीपक जलाने से वो स्पष्ट हो जाता है कि वो सर्प नहीं, वो एक रज्जू है, एक रस्सी है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी कोई नई वस्तु का गठन नहीं कर रही है। वो वस्तु कौन सी? बोलते वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम ताप त्रायण मूलनम। श्रीमद् भागवत जी वास्तु वस्तु है, और श्रीमद् भागवत जी का जो अधिष्ठात्र देवता है, श्रीमद् भागवत जी जिसकी उपासना की प्रेरणा और शिक्षा हमको देती है, वे श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा माधव जी, वो पहले से ही एक उपस्थित वस्तु है। अपने निज परिकर के साथ भगवान सब समय विराजमान रहते हैं। ये नहीं कि
दीपक जलाने से वो वस्तु कहीं से संग्रह कर ली हो। दीपक जलाने से वस्तु दिखने लग जाती है। कस्मन ये विभा से तुम तुले ज्ञान पर भी पूरा हो। श्रीमद भागवत जी ने कहा कि ये एक दीपक की बात, एक प्रदीप है, और वो कब उपयोगी हो रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है, अब ध्यान से समझना। उसकी उपयोगिता क्या है, इस देवी धाम, ये जो भौतिक जो एक ब्रह्मांड है, इसके ऊपर विरजा नदी और उसके ऊपर सारे वैकुंठ आदि लोक हैं। भगवान श्री राम जी का साकेत धाम, श्री नारायण जी का श्री वैकुंठ धाम, श्री कृष्ण का श्री गोलोक धाम, ये सब चिन्मय धाम है, ये वैकुंठ धाम है, ये सब समय इसमें सब समय उज्जवल ही उज्जवलता रहती है, वहां पर अंधकार नहीं है। अंधकार का अर्थ समझते हैं, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सत्वगुण है, निर्गुण स्थिति में है, वहां पर ये उजाला सब समय रहता है। ठीक है, वहां पर किसी प्रकार का शोक, मोह, भय, रोग, मृत्यु, जन्म, ये सब है ही नहीं, सब समय उजाला ही उजाला है। परंतु उजाला की आवश्यकता कहाँ है, इस भौतिक संसार में जहां पर हम लोग अंधकार में पड़े हैं, हम लोग अंधकार में पड़े हैं, इसलिए हमको भागवत जैसी वस्तु, जो वेद्यम वास्तव वस्तु, शिवदम तापत्रायन मूलमं, सब प्रकार का शिवदम अर्थात मंगल प्रदान करने वाली, और ताप त्रायन मूलनम, तीन ताप जिसका कल उल्लेख किया था, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन जो ताप में हर व्यक्ति जर्जित रहता है, इन तीनों तापों को दूरीभूत करने वाली और सब प्रकार का शुभ और मंगल प्रदान करने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत जी के आरंभ में कह दिया, किम व परैर ईश्वर, श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम व परैर ईश्वर, यदि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इस संसार में उपस्थित हैं, और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही क्या है, जिसकी रचना श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कही, और कब रचना की, बोलते वेदों की रचना के पश्चात, चार वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत, ब्रह्म सूत्र, ये सब करने के पश्चात तो इनका जो सार निकला, बोलते ना भाई सारी बात का एक सार, इसका जो सार निकला वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इनको महापुराण कहा गया, सिर्फ पुराण नहीं कहा गया। मैं भी कुछ चेष्टा कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे भक्त तो समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो निरंतर ये कथा सुनते रहते हैं, लेकिन जो नए भक्त लोग जो श्रवण कर रहे हैं, आप लोग भी इस तत्व को भी समझें, सिद्धांत को भी समझें, भागवत जी है क्या, क्यों इतनी महिमा है, क्यों सर्वत्र भागवत जी हो रही है, आप लोग भी समझें, और यदि हम नहीं समझाएंगे तो फिर और कौन समझाएगा। तो विषय भले थोड़ा सा जटिल क्यों ना हो, प्रयास करेंगे तो समझ आएगी बात। और यदि हाथ में एक पुस्तक और पेन लेकर बैठेंगे तो उसको पेन डाउन भी कर सकते हैं, जिससे वो विषय भूलेगा नहीं। और एक ही सूत्र होता है, बस जीवन में एक सूत्र पकड़ में आ जाए सारे कार्य हो जाते हैं, एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला ही सारी थ्योरम को लिख डालता है, एक फॉर्मूला ही सारे विज्ञान को बता देता है,
ये सूत्र क्या है, फॉर्मूला ही है, एक सूत्र पकड़ में आ जाए पूरा जीवन बदल जाता है, एक सूत्र में। और श्रीमद् भागवत जी के तो एक एक श्लोक एक एक सूत्र के बराबर। इसलिए विषय जटिल लगेगा, ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ आएगा, क्योंकि मैं बहुत प्रयास और परिश्रम करके उस विषय को सरल बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, जबकि वो सरल है नहीं। और उसको सरल बनाना ही वास्तव में बहुत कठिन काम है। कहते हैं ना, इट इज डिफिकल्ट टू बी सिंपल एंड इट इज सिंपल टू बी डिफिकल्ट। श्रीमद् भागवत जी कोई साधारण विषय नहीं है, परमहंस संहिता है, कोई साधारण नहीं है, परमहंसों की संहिता है ये। और वे परमहंस अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, पग पग पर इसका पूर्ण स्वाद लेते हैं, इस अमृत का पान करते हैं, और उनको और किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है, और सारे अमृत तिरस्कृत हैं। किसके आगे? बोलते भागवत जी के श्रवण के आगे। देवताओं भी जो अमृत पान कर रखे हैं, वे देवता भी अमृत का कलश लेकर उपस्थित हो गए। देखो क्या अद्भुत बात है, संसार में सब लोग ये कहते हैं पुण्य कार्य करो, पुण्य कार्य करो, पुण्य कार्य करो, बस पुण्य करो, क्यों? स्वर्ग मिलेगा। और बात भी सच है, पुण्य कार्य का फल स्वर्ग ही मिलता है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति ही क्या हमारा सबसे बड़ा प्रयोजन और जीवन का लक्ष्य है? बहुत ध्यान से समझना। अब मैं थोड़ा बैलेंस करके चल रहा हूँ, नहीं तो बाद में मेरे को मैसेज आ जाएंगे, महाराज कथा बड़ी कठिन हो गई, समझ नहीं आई। और ये शिक्षा मूलक भी है, किस बात को लक्ष्य कर रहा हूं मैं? सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, ये पुरुषोत्तम महीना है भैया, दान दक्षिणा दो, देनी भी चाहिए, क्यों? पुण्य मिलता है ना। अच्छा, पुण्य से होगा क्या? स्वर्ग मिलेगा। अतः स्वर्ग जाकर करोगे क्या? भाई वहां पर ऐशो आराम है। तो बात वहीं पर आ गई, हर व्यक्ति सुख चाहता है और ऐशो आराम चाहता है, बस। कोई तपस्या करना नहीं चाहता, इंद्रियों पर संयम करना नहीं चाहता, ये हमारे बस की बात नहीं। सबको सुख चाहिए, सबको ऐशो आराम चाहिए, स्वर्ग में अधिक मिलता है, इसलिए अभी पुण्य करो और जितना बैलेंस इकट्ठा हो गया उसके अनुसार ही स्वर्ग में उतने वर्ष तक रहकर व्यक्ति उतना ही फल भोग करता है, उतने वर्ष तक, ज्यादा नहीं। जब आपका बैलेंस खत्म हुआ धक्का मार के फेंक देते हैं वहां पर, समझ आई बात? धक्का मारकर फेंक देंगे। कैसे? एक गांव का व्यक्ति था, उसको समझा रहा था ये बात, बोलते हैं बात कथा समझ नहीं आई, कोई उदाहरण बताओ। जैसे आप लोगों का भी ये प्रश्न होगा और भूतों का प्रश्न होता है, पूरे संसार में ये प्रश्न सुना जाता है कि हम तो थोड़ा बहुत भजन करते हैं, नाम करते हैं, व्रत भी करते हैं, वो परेशानियां हमारे पे ही आती हैं, जो लोग खूब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पैसा उजाड़ते हैं, उनको तो कुछ होता नहीं, उनका तो काम धंधा भी बढ़ रहा है। तो ये प्रश्न आया कि इसका समाधान क्या होगा, समझ कैसी आएगी बात? बहुत साधारण है, आपके बैंक में 5 लाख रुपया रख दिया जाए आपके अकाउंट में, और आपको एक एटीएम कार्ड दे दिया जाए, भाई पूरे देश में किसी भी मशीन से रोज 10,000 रुपये निकाल सकते हो। ध्यान से समझना, आप सब लोग जानते हो इस चीज को, एटीएम कार्ड से मशीन में गया, वहां पर वो पिन डाला, 10,000 रुपये निकल गए, कितनी खुशी होती है ना, हाथ में पैसा आ गया, कैश आ गया, और खर्च भी कर दिया।
रोज ही करने लगा, आदत पड़ गई। एक डेढ़ महीने के बाद मशीन से पैसा आना बंद हो गया। होगा कि नहीं होगा बंद? और हमने कहा भैया ये मशीन क्या हो गया, खूब पैसा देती थी, देना ही बंद कर दिया, क्यों? तो मित्र को फोन किया, मित्र पैसा आना बंद हो गया भाई, आपने क्या कार्ड दिया हमको, रोज तो खूब आनंद लेते थे, मौज मस्ती करते थे, खाते पीते थे, उजाड़ते थे पैसा, अब खत्म हो गया। बैंक फोन किया, बोले भैया रोज ही तो विड्रॉल था, रोज ही तो 10-10 हजार रुपए निकाले जा रहे थे, खत्म हो गए। अच्छा ये भी होता है, पीछे से कट भी जाता है, हम तो सोचे वो जमा रहेगा और यहां से हम निकालते चले जाए। बोलते ना भैया तुम अपना ही पैसा खर्च कर रहे थे, पीछे जमा था और रोज निकालते निकालते तुम उसको उजाड़ रहे थे, अब बैलेंस खत्म हो गया, बस दोबारा से कमाओ, जमा कराओ, फिर खर्च करो, बस यही क्रम चल रहा है संसार में। जमा किया, रखा, खर्च किया, समाप्त हो गया, फिर मेहनत की, फिर जमा किया, फिर रख लिया, फिर खर्च किया, फिर समाप्त हो गया, यही क्रम चल रहा है, जन्म 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 जन्मांतर से यही क्रम चल रहा है। सब लोग क्या कहते हैं, पुण्य करेंगे पुण्य करेंगे, मिलेगा क्या? पुण्य भी आसानी से मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है भाई, कुछ पैसा कमाएंगे तभी तो वो दान दोगे, फिर वो दान देंगे तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा क्या तो क्या होगा, वहां पर और ऐश्वर्य मिलेगा और सुख मिलेगा, लेकिन वहां पर सुख उतना ही मिलता है जितना आपने इकट्ठा किया है, जितना कमाई की है। जब कमाई समाप्त हो गई तो वहां स्वर्ग के लोग आपको धक्का मार के यहां वापस फेंक देंगे, जाओ फिर से कमाओ, फिर पुण्य कमाओ। इसलिए कभी स्वर्ग में कभी यहां, बस यही क्रम चल रहा है। तो देवता लोग स्वर्ग में सुखी रहते हैं, यदि ऐसी बात है तो क्यों परेशान रहते हैं, वो सत्व गुण में है, वो बात ठीक है, भगवान के निर्देश से सृष्टि में सेवा में भी भाग लेते हैं, वो बात ठीक है। स्वर्ग के देवता अमृत पान कर रखे हैं, वो बात भी ठीक है, और वो अमृत मिला कहां से, इतना आसानी से मिला नहीं, बहुत उद्योग किया उसके लिए, बहुत उद्यम किया, बहुत मेहनत प्रयास किया, समुद्र मंथन किया गया था, समुद्र मंथन में बहुत सारी सामग्रियां निकली थी, लेकिन जब अमृत निकला था उस अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4-4 अवतार धारण करने पड़े थे, देवताओं का काम बनाने के लिए। अजीत भगवान, कच्छप भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहनी भगवान, 4-4 अवतार धारण करने पड़े एक आयोजन के लिए, समुद्र से अमृत निकालना, उसके मंथन से अमृत निकालना, और स्वर्ग के देवताओं ने उस अमृत का पान कर लिया। ऐसा एक पात्र धनवंतरी भगवान ने अमृत का दिया जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता। इतने सारे देवता अमृत का पान कर रहे हैं, पिला कौन रहा है? मोहनी भगवान। कौन पिला रहा है? मोहनी भगवान। किनको? देवताओं को, सबने अमृत पान कर रखा है, तो भी उनको भय है असुर आकर देवलोक पर आक्रमण कर लेंगे, हमारा लोक लेके चले जाएंगे। भाई अमृत पान करके भी आपको भय है जी? और मजे की बात तो जब सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा करने बैठे तो स्वर्ग के समस्त देवता अमृत का कलश लेकर उपस्थित हो गए और क्या कहने लगे, हे सुखदेव जी, परीक्षित जी को तो शाप लग गया है। किसने शाप दिया? श्रृंगी ऋषि।
इति लंगेते मर्यादया तक्षक सप्तमे अहनी दक्षंती स कुलांगारम। इस कुलांगार राजा ने जिसने मेरे पिता पर अपमान किया, 7 दिन के पश्चात तक्षक नामक सर्प आकर डसेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्वर के देवता बड़े हितेशी बनकर आए, हितेशी बनकर आए। किसके हितेशी? परीक्षित जी के। और सुखदेव गोस्वामी जी से एक उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव भी कैसा रखा? विनिमय, एक्सचेंज। अभी कुछ दिन पहले इंग्लिश में कथा हो रही थी, इस प्रसंग को बड़े विस्तार से बतलाया था। एक्सचेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। क्या बोलकर? ये स्वर का अमृत लाए हैं, परीक्षित को पिला दो, और इसके बदले में, इसके एक्सचेंज में, विनिमय में हमको भागवत का अमृत पिला दो। क्यों भाई, आप लोग तो अमृत पान कर रखे हो, आपको कथा सुनने की क्या जरूरत है? अमृत पीकर तो कोई अमर हो जाता है। बोलते हैं सो बात है नहीं, आयु लंबी हो जाती है, भोग ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जब तक कोई भागवत रूपी कथा अमृत का पान ना करे वो अमर हो ही नहीं सकता। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट ही नहीं सकता। सदा सेव्य, सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा। सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को तिरस्कृत कर दिया। अरे देवताओं का तिरस्कार, किसका, किसमें इतना बल है देवताओं का तिरस्कार करेंगे? है बल वैष्णव में, भक्तों में बल है, देवताओं को तिरस्कार कर देते हैं। क्यों, कैसा प्रस्ताव लेकर आए? भागवत की कथा ही सुननी थी, चुपचाप आकर बैठकर सुनते, प्रार्थना भी करते या नहीं भी करते, इतना ही कह देते सुखदेव गोस्वामी जी हमने स्वर का अमृत पान कर रखा है, हम भी कथा सुनना चाहते हैं। कौन मना करता है भाई? कोई भागवत की कथा में आकर बैठना चाहे आपके मंदिर में, आपके घर में, आप मना करोगे कि भैया आप योग्य नहीं हो? भागवत जी क्या किसी का अधिकारी निर्णय करती है कि यही व्यक्ति भागवत सुन सकता है? यदि यही बात होती तो धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था उसका क्या अधिकार था? धुंधकारी का क्या अधिकार था भागवत सुनने का? अजामिल का क्या अधिकार था कि उसको वैकुंठ मिल गया? धुंधकारी को वैकुंठ मिल गया, क्या अधिकार था? यहाँ पर अधिकार का अर्थ सभी का ही प्रवेश है, सभी का ही अधिकार है। यदि धुंधकारी भी बांस के 7 गांठ के बांस के टुकड़े में बैठकर भागवत सुनकर अपनी परम गति प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर क्या देवता भागवत सुनकर वैकुंठ प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु एक्सचेंज, ये जो ऑफर दिया गया, ये डीलिंग दी गई, ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है। ध्यान से सुनना, ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है। सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा ये एक चरित्रार्थ जो बतलाया गया, एक जो उनका जो उस विषय पर कैसे उन्होंने देवताओं को तिरस्कृत किया और हंसी उड़ाई, विषय को ध्यान से समझना। देवताओं को हंसी उड़ाई कि भागवत सुनने पर सबका अधिकार है, क्यों नहीं चुपचाप बैठकर आकर कथा सुने, लेकिन ये स्वर्ग का अमृत लाकर हमको प्रलोभन दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वीकार किया, सुकृत किया, नहीं किया? कहां स्वर्ग का अमृत जो तुच्छ है,
कहां स्वर्ग का जो पद है तुच्छ है। निष्कर्म में अच्युत भाव वर्जितम न शोमते ज्ञान मलम निरंजनम। निष्कर्म में अच्युत भाव वर्जितम तुच्छ है ये कर्मकांड। कर्म करो पुण्य होगा स्वर्ग मिलेगा लेकिन फिर मरना पड़ेगा। कहां ये स्वर्ग का अमृत तुच्छ और कहां ये भागवत रूपी अमृत जिसकी जिसके लिए देवता भी ललायत हैं। तभी तो आए सब मिलकर लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी को ये ऑफर ये डील पसंद नहीं आई। जैसे कोई कहे महाराज जी 1,00,000 रुपए देंगे भागवत करनी है, जहां पर ये डील हो जाए वो तुच्छ है तिरस्कृत है वो निंदनीय है। हमारे गुरुजनों ने कभी इसका अनुमोदन नहीं किया। अच्छा क्या मैं आपके जूम में ऐड हो सकता हूँ, आपकी फेसबुक की कथा सुन सकता हूँ? हाँ मैं बाद में 21,000 रुपए दे दूंगा। अच्छा लगता है सब बोलना? सारा संसार कथा सुन सकता है, भूत प्रेत सुन सकते हैं, देवता सुन सकते हैं, लेकिन एक डील करना, यही शिक्षा सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर दे रहे हैं उन लोगों को जो भागवत जी को एक व्यवसाय बनाए रखे हैं, एक प्रोफेशन बनाए रखे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जी का चरित्र। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी के महिमा, उनके शिष्य सुत गोस्वामी जी जो नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषियों को भागवत श्रवण करा रहे हैं, जब उन्होंने प्रश्न किए उन प्रश्न के उत्तर में ही सुत गोस्वामी जी उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए कहने लगे, यम प्रवजन तमनुपेत पेत कृत्यम द्वैपान विरह कातुराज वाह पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान पुष्प। अर्थात मैं उन श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो जन्म लेने के साथ साथ ही वन की ओर गमन करने लग गए। 16 वर्ष की आयु तक माता के गर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी जी, 16 वर्ष की आयु तक। और फिर पिता व्यासदेव जी कहने लगे, पुत्र बाहर आओ, पुत्र बाहर आओ। वो तो बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। बोलते मैं आश्वासन देता हूं माया नहीं पकड़ेगी। बोलते आपकी बात पर विश्वास नहीं, जिसकी माया वही आकर आश्वासन दे। व्यास जी ने श्री कृष्ण को आह्वान किया, प्रभु आप ही आकर। श्री कृष्ण आए, बालक को संबोधन करते कहने लगे, हे बालक बाहर आओ, माता को पीड़ा हो रही है, मैं आश्वासन देता हूं माया स्पर्श नहीं करेगी। और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर सुखदेव गोस्वामी जी माता के गर्भ से जो आए और आने के साथ साथ ही ना इधर ना उधर अवधूत वेश धारण करके वन की ओर गमन करने लगे। पिता व्यासदेव पीछे से हा पुत्र कह के चल रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, क्योंकि ये तो इनकी तो सुदबुद्धि नहीं है, इनकी तो समाधि लगी हुई है। अच्छा चलते हुए समाधि लगी है, चल भी रहे तो समाधि हो रही है। जो परमंश होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी सब समय ही समाधि दशा रहती। जब वो भोजन भी कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, तो समाधि है। जब वो शयन कर रहे हैं तो समाधि है, समधि। जब वो चल भी रहे तो समाधि है,
इसका साक्षात ज्वलंत उदाहरण सुखदेव गोस्वामी जी, ये माता के गर्भ से निकले वन की ओर जा रहे हैं, पीछे से पिता पुकार रहे हैं, अरे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, समाधि लगी हुई है, होश ही नहीं है। पास में सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निवस्त्र होकर, होश ही नहीं है कि थोड़ा सा देख लूं, होश ही नहीं है, तो समाधि लगी हुई है, समाधिस्थ हैं, उसी में लीन होकर बस चल रहे हैं। व्यास जी पीछे से पुकार रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, स्त्रियों ने अपने अंग ढक लिए। व्यास जी रुके, अरे मेरी पोतियों के बराबर हो, मेरा 16 वर्ष का नव युवक बालक यहां से गया, तब तो लज्जा आई नहीं, और मैं तुम्हारे दादा के बराबर, मैं जब जाता हूं तो लज्जा आ रही है, ऐसा क्यों? तो वहां पर प्रथम स्कंद में वह स्त्रियां एक ही स्वर से कहने लगी, हम स्त्री जाति हैं, भगवान ने स्त्री जाति को यह गुण दे रखा है, किसी के आंख में देखकर ही वो बता सकती हैं कि इनके अंदर अच्छी भावना है कि बुरी भावना है, आंखों में देखकर ही। तो बोलने लगे, एक ही स्वर से कहा, आपके पुत्र सुखदेव को तो ये होश भी नहीं है कि कोई पुरुष है कि कोई स्त्री है, उनको तो ये ज्ञान भी नहीं है, और हम यहाँ स्नान भी कर रहे हैं, ये भी उनको होश नहीं है, वो तो समाधिस्थ है, क्योंकि आपके अंदर ये भेद दृष्टि है, इसलिए हमको लज्जा आई, आपके पुत्र सुखदेव का तो भेद ही नहीं है, तो लज्जा कहां से आएगी? तो सुध गोस्वामी जी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कैसा वैराग्य है, कोई आकर्षण ही नहीं है संसार का, और समाधिस्थ हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी, समाधिस्थ हैं। और दूसरा, स्वर्ग के देवता अमृत लाए, सुखदेव गोस्वामी जी कह सकते थे, हाँ 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 देवताओं बैठिए, स्वर्ग का अमृत लाए, चलो थोड़ा सा मैं भी पी लेता हूँ, परीक्षित को भी पिला देते और आपको कथा सुनाई देते, समझ रहे हो मैं क्या इंगित कर रहा हूं? हाँ मैं 7 दिन कथा सुनाता हूँ इंद्रपुरी में, ₹1,00,000 तो जरूर लूंगा, चलो तुम लोग भी सुन लेना, ये तुच्छ व्यवहार है, ये घृणित है, भागवत की दृष्टि से, वैष्णव समाज की दृष्टि से ये कार्य घृणित कार्य है। हमारे गुरुदेव ने कभी इसका अनुमोदन नहीं किया, कभी भी नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी ने अमृत के कलश को तिरस्कृत कर दिया, देवताओं को तिरस्कृत कर दिया, वैष्णवी परंपरा का स्थापन किया। वह सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं, श्री शुक राधा जी के सिखाए हुए, राधा जी के पालतू तोता, जो सब समय राधा जी के हस्त कमल पर विराजमान रहे और राधा जी उनको अनार के दाने खिलाती रहे, वह सुखदेव गोस्वामी जो भागवत जी के वक्ता हैं। भागवत कौन कह सकता है? जो स्वयं भागवत हो वही भागवत का वर्णन कर सकता है, समझेंगे इस बात को। अब एक के बाद एक बड़े गूढ़ सिद्धांत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मेरा मन मेरे को रोक लेता है कि भैया बहुत सारे नए लोग सुन रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बुद्धि कहती है कि द्वंद चलता रहता है कथा में, बुद्धि कहती है कोई बात नहीं सुना दो, बुझीबे रसिक जन ना बुझीबे मूल, भक्त लोग समझ लेंगे अपने आप ही, और कभी तो सुनना ही पड़ेगा।
सुनते सुनते तो परिपक्व अवस्था आएगी, नहीं तो फिर नाच गान खेल कूद होगा, बस हो गए जी, भागवत बड़ी अच्छी हुई जी, बहुत आनंद आया, बहुत नाचे, ठीक है, उसका भी अपना जगह एक आदर है, वह नित्य भी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य है अवश्य, किसने नित्य नहीं किया। मैं तो वहां भारत में एक मंदिर में कथा कर रहा था, शायद चंडीगढ़ की बात थी, बहुत जनता थी, 1500 लोग, तो किसी ने एक शिकायत की, अब देखो हर किसी का अपना स्वभाव होता है ना, गंदी चीज में भी अच्छी वस्तु निकाल लेता है और अच्छी वस्तु में भी गंदी चीज पकड़ में आती है, अपना स्वभाव रिफ्लेक्ट होता है अपने शब्दों में, कि एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी है, जिसकी दृष्टि बहुत अच्छी ना, वो गंदी चीज में भी अच्छी वस्तु निकाल लेता है। जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज है, अ स्टॉप क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे, इवन अ स्टॉप क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे, एक घड़ी रुक गई, घर की घड़ी थी रुक गई, कोई कहेगा अरे उठाकर फेंक दो बेकार हो गई, दृष्टि का भेद है ना, और एक दृष्टि ये कह रही है अरे घड़ी है रुक गई, लेकिन हाँ दिन में दो बार तो ठीक टाइम देती है, 10 बजे घड़ी रुक गई, बैटरी बंद हो गई, दिन में दो बार तो सही टाइम दे रही है, 10 तो सुबह भी बजेंगे, 10 रात को भी बजेंगे, तो इसलिए भागवत कौन कह सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ही भागवत कर सकते हैं, भागवत ही भागवत को समझ सकता है। इसलिए भागवत दो प्रकार के, एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। एक ग्रंथ भागवत जो पुस्तिका है श्रीमद् भागवत महापुराण, और एक है भक्त भागवत। हम आप एक दूसरे के स्वभाव को जानते हैं ना, हर व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है, लेकिन दूसरे को स्वभाव जानना थोड़ा कठिन हो जाता है। अपना स्वभाव हमको पता है, श्रीमद् भागवत जी का स्वभाव क्या है वो कौन बता सकता है, बोलते जो स्वयं भागवत हो वही बता सकता है, सुखदेव गोस्वामी ही बता सकते हैं परमहंस हैं, श्री नारद जी बतला सकते हैं परमहंस हैं, जो स्वयं भागवत है वो ही भागवत को बतला सकता है, हमारे गुरुदेव भागवत हैं, वे ही श्रीमद् भागवत को बतला सकते हैं। तो पूछो आप क्यों बोलते हो आप भी भागवत हो क्या, नहीं बाबा, हाथ जोड़वा लो, सच्ची सच्ची कोई भागवत नहीं है, फिर आप कथा क्यों करते हो, कृष्ण प्रश्न किया, आपकी 108 भागवत तो हो गई होगी अब तक, मैंने कहा हमने गिनती की नहीं, हाँ लेकिन हो गई होगी, क्यों पूछते हो, तो भागवत समझ आ गई होगी अच्छे से, 108 भागवत करने से अब तक तो भागवत पूरी समझ आ ही गई होगी, आप तो पुस्तक भी खोलते नहीं, तो इसका उत्तर दिया नहीं, भागवत समझने के लिए भागवत नहीं की, पूरा जीवन लगाकर भागवत कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे तो समझेंगे भागवत समझ आ गई, कुछ समझ नहीं आने वाली, तो फिर क्यों कहते हो, इसलिए नहीं कि भागवत समझ आ जाए, परंतु इसलिए कि भागवत जी हमको समझ ले, हम भागवत जी समझ नहीं सकते,
भागवत जी हमको समझ ले बस इसीलिए करते हैं। सेवा नित्यम भागवतम सेवया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, उपदेश दिया गया, नित्य प्रति भागवत की सेवा करते रहो, भागवत अपने आप आपको जना देगी, भागवत हमको समझ लेगी, ना कि हम भागवत जी को समझ पाएंगे। भागवत को तो भागवत ही समझ सकते हैं। जब तक उस भूमिका में नहीं आया जाएगा भागवत वाली, तब तक भागवत जी को समझा नहीं जा सकता। भले ही हम 18,000 श्लोक याद कर लें, भले ही हम बड़ी बड़ी व्याख्या कर लें, बड़ी सुंदर, अरे महाराज जी बड़ी अच्छी कथा कही, वाह महाराज जी को तो भागवत याद है, इससे बोलने से नहीं चलेगा। भागवत जी की अनुभूति होना, देखो मैं तो अपने आप को ही बोल रहा हूं, मैं तो किसी पर आक्षेप या विक्षेप कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मात्र श्लोक रटने से, व्याख्या करने से भागवत समझ आ सकती है, बोलते नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं नहीं, भागवत जी जब हमको समझ लेंगी ना, अपने आप को जना देंगी। लेकिन वो कब होगा? जब हम नित्य प्रति भागवत जी की सेवा करेंगे। नित्यम भागवतम सेवया, इसलिए भैया जब प्रस्ताव आता है बार बार भागवत की कथा कहते रहते हैं कि भागवत जी हमको समझ ले, हमारे कहाँ दोष हैं, कहाँ अनर्थ हैं, कहाँ अपराध है, और इसका उपाय क्या है? वो तो भागवत जी ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। बड़े मजे की बात है ये। भूमो स्खलितम पादनाम भूम एव अवलंबनम तो यत अपराधनाम तम एक शरणम प्रभु। इसका सरल भाषा में इसका अनुवाद बतलाऊं, भूमो स्खलितो पादनाम, यदि हम भूमि पर गिर जाएं, भैया खड़े खड़े हम गिर गए, पैर फिसल गया, तो कैसे उठा जाएगा? बोलते जिस भूमि पर गिरे हैं उसी का ही सहारा लेकर उठा जाएगा, होता है कि नहीं? भूमि पर गिर गए, सहारा लेकर, उसी भूमि का सहारा लेकर खड़े हो गए। इसलिए भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जिस प्रकार भूमि पर गिरने पर भूमि का ही सहारा लेकर खड़ा हुआ जाता है, उसी प्रकार हमारे आपके चरणों में अनेक अपराध होते हैं, तो वो सहारा देने वाले आप ही तो हैं, वो सहारा देने वाले आप ही तो हैं, और कौन है? कौन सहारा देगा हमारे अपराध को? आप ही तो क्षमा करोगे, क्योंकि चरणों में, आप ही के चरणों में तो अपराध हुआ। जिस प्रकार भूमि सबको आश्रय देती है, भूमि सबको सहारा देती है, उग्रवादी भी भूमि पर रहते हैं, देवता जैसे मनुष्य भी भूमि पर रहते हैं, सज्जन व्यक्ति भी यहाँ रहते हैं, अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं, बुरे व्यक्ति भी रहते हैं। इस भूमि पर मल मूत्र भी त्यागा जाता है, इस भूमि की पुष्प से पूजा भी की जाती है, इस भूमि पर दूध भी चढ़ाया जाता है, इस भूमि पर जल भी चढ़ाया जाता है, और मल मूत्र और थूका भी इस भूमि पर जाया जाता है। वे भूमि कभी अपराध लेती? सबको सहारा देती, सबको आश्रय देती, ये भगवान की शक्ति है, भू शक्ति। तो सोचो जिसकी ये शक्ति है उसका स्वभाव भी फिर ऐसा ही होगा, वे भगवान भी ऐसे। गीता जी में कह दिया, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि अस्ति नामे प्रियः, मैं सभी प्राणी के प्रति एक जैसा भाव रखता हूं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति मित्रता नहीं, एक बराबर हूं। कोई मेरा भजन करे या ना करे, सबके लिए वायु है, सबके लिए जल है, सबके लिए खाद्य पदार्थ, सब कुछ है, कोई भेदभाव नहीं करता। परंतु साथ साथ ये भी कह दिया, ये भजन तुम माम भक्तया, जो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसके प्रति मेरा झुकाव तो अवश्य ही रहता है, ये स्वभाव है भगवान का।
झुकाव अवश्य रहता है उसके प्रति। सबके प्रति एक जैसा भाव है, इसलिए भागवत जी को समझना, बिना भागवत हुए भागवत जी को समझा नहीं जा सकता। इसलिए श्री सुखदेव, इसलिए व्यास जी सुखदेव गोस्वामी जी के पीछे पीछे भाग रहे थे, हा पुत्र ये मानकर नहीं कि मेरा बेटा था सन्यास लेकर वन चला गया, अभी तो लाड प्यार भी नहीं किया, गले भी नहीं लगाया, और ये तो वैरागी बन गया। इस आसक्ति के कारण पुत्र पुत्र कह के पीछे नहीं जा रहे थे, इस आसक्ति के कारण नहीं, परंतु इसलिए कि जानते हैं सुखदेव कौन है। सुखदेव परम भागवत हैं, और मैंने श्रीमद् भागवत की रचना की है सारे संसार को, ये भागवत सुनाने वाला कौन है, वो तो सुखदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। उनके प्रति और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, तो आप ही सुना दीजिए व्यास जी। क्या व्यास जी नहीं सुना सकते? क्या वहां पर उपस्थित नारद जी नहीं सुना सकते? क्या पराशर जी नहीं सुना सकते? क्या शांडिल्य अगस्त ऋषि, इतने ऋषि मुनि एक से बढ़कर एक, धुरंधर माँ भागवत वहां पर विराजमान, आप लोग नहीं सुना सकते? क्यों सुखदेव गोस्वामी जी का ही प्रतीक्षा हो रही थी अभी तक? क्योंकि इनकी महिमा है, इनका एक वैशिष्ट है, और वो क्या, वो थे श्री शुक, राधा जी के द्वारा पालित ये शुक हैं, राधा जी के हाथ में बैठे हुए ये शुक हैं, राधा जी के मुख से कृष्ण नाम सुने हुए ये शुक हैं, राधा जी के भाव के साथ तादात्म्य प्राप्त हुए ये शुक हैं, यही शुक भागवत जी को सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जी कृष्ण की महिमा को अधिक वर्णन नहीं करती, भागवत जी राधा जी की महिमा को अधिक वर्णन करती है। ये विषय जाति ग्रंथ नहीं, ये आश्रय जाति ग्रंथ है। भले ही भागवत जी में अवतारों की कथा का वर्णन है, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण, सभी अवतारों की कथा का वर्णन है, परंतु उससे अधिक किसका वर्णन है, वो तो भक्तों के चरित्र का वर्णन है। भगवान का अवतार भी होता है तो किसके लिए होता है, किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं? हर अवतार के पीछे एक भक्त का चरित्र छिपा है। भगवान का अवतरण भक्त के कारण ही होता है, भगवान अपने भक्त के अधीन है। कौन कहता है इस बात को? मैं नहीं कह रहा भाई। कौन कहता है इस बात को? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं भाई, अहम भक्त पराधीना हया स्वतंत्र द्विजा, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूं, इसलिए उन्हीं के कारण तो मैं लीला करता हूं। तो समझो बड़ा गूढ़ विचार है, अपने गुरुदेव से श्रवण किया वही बात कहता हूं। भागवत जी भगवान की महिमा को अधिक नहीं कहकर भक्त महिमा को अधिक कहती है, और उन भक्तों में ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, पांडव, ये सारे भक्तों का जो चरित्र है वो एक ही लक्ष्य को करता है, ये एक एक स्टेप है। ध्रुव जी सकाम भक्त, प्रहलाद जी निष्काम भक्त, फिर पांडव, फिर हनुमान जी, ये सब एक ही वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं। किस लक्ष्य को, किस वस्तु को लक्ष्य? बोलते जो वास्तव वस्तु है, और वो क्या है? बोलते भागवत जी में यदि राधा जी का नाम हटा दिया जाए तो भागवत जी में कुछ बचा ही नहीं है, और फिर लोग बोलते हैं भागवत जी में तो राधा जी का नाम है ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ भागवत जी में से राधा जी का नाम ही हटा दो तो भागवत जी में कुछ बचा ही नहीं है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत राधा जी की महिमा को ही प्रदर्शित करने वाला है,
राधा जी के विचार को, उनके समर्पण को, उनकी प्रेम वही सेवा को और उनके प्रेम को ही लक्ष्य करता है। इसलिए उन राधा जी का स्वभाव ही, वह राधा जी का स्वभाव ही श्रीमद् भागवत जी का वास्तव में मूल अर्थ है, अनवे व्यतिरेक से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। और इसको वर्णन करने में कौन सक्षम है? एकमात्र सुखदेव गोस्वामी ही सक्षम है और कोई नहीं। इसलिए श्री शुक इनकी ये महिमा है। और यही कारण हुआ सभी लोग उपस्थित थे परीक्षित जी यही दिल्ली के पास शुक्रताल पर, जहां पर भागवत जी का ये सुखदेव गोस्वामी जी का परीक्षित जी का ये संवाद हुआ शुक्रताल पर, उस वृक्ष के नीचे जहाँ 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं वहां पर, दिल्ली के निकट हरिद्वार के मार्ग में, जहां पर हजारों की संख्या में ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित है। नारद जी हैं, पराशर जी हैं, वेद व्यास जी हैं, अगस्त जी हैं, शांडिल्य जी हैं, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। क्यों सब? सुखदेव गोस्वामी जी जब आए, जो अभी 16 वर्ष के बालक हैं और जब चल भी रहे हैं तो समाधि दशा में हैं। अरे कौन सी समाधि लगी हुई है? बोलते राधा चरण अनुराग की समाधि लगी हुई है। उस समाधि दशा में, और जो चलकर आए सभी खड़े हो गए। अरे दादा परदादा बड़े बड़े गुरुजन ये खड़े हो गए, और ये 16 वर्ष का नवयुवक बालक क्यों? यही तो महिमा है। सुखदेव गोस्वामी जी की यही महिमा कि भागवत जी को वही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राधा जी का स्वभाव निहित है, इसमें राधा जी की महिमा निहित है। इसलिए बिना किसी भय से कह दिया, अन्य राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतिम आवत। राधा जी का नाम राधा क्यों है? साधारण अर्थ कुछ और कहता है और गूढ़ अर्थ कुछ और कहता है, आप दोनों ही सुन लो। साधारण अर्थ ये कहता है कि भगवान की बहुत सारी गोपियां हैं, जिस एक गोपी ने सबसे अधिक श्री कृष्ण की आराधना की है इसलिए उनका नाम राधा है। जिन्होंने सबसे ज्यादा सबसे अधिक कृष्ण की आराधना की है इसलिए उनका नाम राधा है, ये तो साधारण अर्थ है। और गूढ़ अर्थ क्या है? बोलते भैया श्री कृष्ण ने जिनकी सबसे ज्यादा आराधना की है इसलिए उनका नाम राधा है। श्री कृष्ण ने जिनकी सबसे ज्यादा आराधना की है इसलिए उनका नाम राधा है। वृंदावन कौन कौन गया? हाथ खड़े करिए जाओ सभी भक्त लोग, जो जो देख रहे हैं हाथ खड़े कर दो। तो अच्छा दोनों हाथ करो तो जय जय राधे हो जाएगी। बोलो जय जय श्री राधे। एक करो तो इसका मतलब हाजिरी है, ठीक है, और दो करो तो राधे राधे हो जाती है। और भक्त लोग तो वृंदावन में तो चलते फिरते ही राधे राधे होती है, होती है ना, एक ही शब्द सुनाई पड़ता है चारों ओर से, रिक्शे वाले भी, दुकानदार भी, सब लोग साधारण भाषा में भी, और बचपन से ही सीखते आ रहे हैं ना, साधारण भाषा में दुकानदार ये बोलते हैं, भैया उधार लिया था अब तो दे दो। बोलते भैया कहाँ से दे दें, पैसा ही नहीं है। ये मार्च से जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना आ गया, भैया पैसे की बड़ी कमी है। पैसा भले ही हो लेकिन अब देंगे नहीं, क्यों? बहाना मिल गया ना किसका? कोरोना का। भाई कोरोना के बहाने में भी बहुत कुछ चल रहा है, उसकी आड़ में भी। तो वो बड़े अच्छी जोगेश जी बात बतला रहे थे, बोलते हैं बाजार में तो ये हाल हो गया, क्या बोलते हैं, बोलते भैया ब्लड ले लो,
ब्लड ले लो लेकिन पैसा नहीं ले सकते हम, खून दे सकते हैं पैसा नहीं दे सकते। अच्छा एनी हाउ दुकानदार भी कहते हैं भैया पैसा दे दो, चार महीना हो गया उधार लिए, बोलते ना अभी तो नहीं, जब तक ये ठीक नहीं होगा स्थिति, पैसा नहीं आएगा तब तक दे नहीं सकते। तो फिर हार के दुकानदार चिढ़कर फिर क्या बोलता है, तो ठीक है भैया हमारी तुम्हारी राधे राधे फिर। जब किसी से संबंध काटना भी हो तब भी फिर ये बोलते हैं हमारी तुम्हारी राधे राधे फिर, और किसी से संबंध जोड़ना हो तब भी कहते हैं हमारी तुम्हारी राधे राधे भैया, हर बात में तो हाथ ऊपर उठा के राधे राधे है, संबंध तोड़ना भी तो राधे राधे। इसलिए आप लोग जो जो वृंदावन गए आपने एक उल्टी रीति देखी। क्या उल्टी रीति देखी? सब कुछ सीधा सीधा तो है, और कौन सी चीज सीधी है वृंदावन की ये बताओ तो, कोई एक गली बता दो जो सीधी चलती हो, एक गली कोई सीधी है? सब गली टेढ़ी है। जमुना जी सीधी बह रही है, अब हरिद्वार में गंगा जी को देखो एकदम सीधी बहती है, और जमुना जी सीधी बहती है ना, आप देखो हम तो अपने वहां मंदिर की छत से देखते ऐसे ऐसे टेढ़ी है, सब कुछ तो टेढ़ा है, क्यों क्या कारण? बोलते प्रेम नदियां उलट बहती जाए, प्रेम की जो नदी वो सीधी बहती नहीं उल्टी ही बहती है। तो वृंदावन में एक प्रेम ही ऐसा है जो सब कुछ ही करवाता है। लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण पलोटती हैं, क्या कभी विष्णु जी लक्ष्मी जी के चरण पलोटते हैं? कभी राम जी कभी सीता जी के चरण दबाएंगे? लेकिन वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को छीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार, जपे जा क्या, जपे जा क्या, जपे जा हाथ ऊपर करके, जपे जा राधे राधे भैया। यहाँ पर तो वृंदावन में सेवा कुंज में जाकर देख लो उल्टी नदी ही बह रही है, जबकि वो सीधी ही है, वहां पर श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। दिल्ली फरीदाबाद के भक्त लोग तो वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन जाने का मतलब क्या होता है? देखो मैं थोड़ी सी अब कठोर बात बोल दूंगा, पहले ही बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानना, तो पहले बोल दो ना बुरा नहीं मानना, तो बुरा मानते नहीं लोग। अच्छा बुरा मत मानियो, एक बात बोल देता हूँ, पहले मन शांत हो जाता है, चलो माइंड प्रिपेयर हो गया ना, बुरा नहीं मानना। वृंदावन जाने का मतलब क्या होता है भैया? संडे आ गया, चलो थोड़ा बिहारी जी की हाजिरी लगाए और गाड़ी उठाए, तो अब तो वो पीछे वाला रास्ता है नोएडा वाला एक्सप्रेस, डेढ़ घंटे दो घंटे में वृंदावन पहुंच गए। आउटिंग की आउटिंग हो गई, लॉन्ग ड्राइव की लॉन्ग ड्राइव हो गई, और वहां गए सीधा बिहारी जी पे पार्किंग लगाई, 25 रुपए की पर्ची कटवाई, 50 भी लेते हैं कभी कभी, बिहारी जी का दर्शन किया, आहा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आहा हा बिहारी जी का दर्शन हो गया, वाह। पर्दा भी इधर उधर हुआ थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा इधर झांक कर देख लिया, भीड़ में किसी के ऊपर खड़े होकर देख लिया, बस 5-10 मिनट में दर्शन हो गए, बाहर आए टिक्की खाई लस्सी पी, चलो भैया गाड़ी में बैठे आ जाओ, पेड़े लेके घर वापस आ गए, आहा हा हम वृंदावन हो आए, बिहारी जी का दर्शन कर लिया, बस हो गया दर्शन। 5 मिनट देखने से ध्यान से समझना, 5 मिनट देखने से वहां टिक्की खाकर लस्सी पीकर वापिस आ गए, ये देखना हो गया? ये कोई वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ,
खाली हाथ ही वापिस आ गए आप। क्यों? उदाहरण से बताता हूं। घर की बेटी है, दूसरे घर में बयानी है, आप सब लोग तो इसको अच्छे से समझ सकते हो। घर की बेटी है, दूसरे घर में बयानी है, लड़के वालों को देखने तो जाना पड़ता है, लड़का देखने गए भी। क्या आप जब वहां पर जाकर सिर्फ लड़का देखते हो ना, और चीजें भी समझते हो? लंबा है, 6 फुट का है, गोरा है, सुंदर है, बस सिर्फ उसको आंखों से देखना होता है या कानों से सुनना भी होता है उसके बारे में? स्वभाव कैसा है, काम क्या है, आचरण क्या है, समझते हो कि नहीं समझते? और सिर्फ देखना ही होता तो फिर फोटो में ही देख लेते, पसंद आ गया जी शादी कर दो। जब बच्चों का विवाह करने के लिए सारी जांच की जाती है, कानों से सुना जाता है, आंखों से देखा जाता है, तब कहीं जाकर सोच समझ कर विवाह किया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है। तो वृंदावन धाम जाकर बिहारी जी का दर्शन करना बस आंख से देख कर है, तो घर में ही देख लो, वो अलग है ना। वहां जाकर कुछ सुनना भी पड़ेगा, ये करते क्या है भैया, ये करते क्या है, स्वभाव क्या है, रूप कैसा है, हमने तो सामने से देख लिया, हाँ हाँ सुंदर लगे, अरे क्या सुंदर लगे, बड़े सुंदर हैं, क्या समझ आया सुंदरता? इसलिए कहा गया रूप नहीं स्वरूप देखना पड़ता है। रूप देखकर तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं, अरे रूप तो कंस ने भी देखा था, रूप तो दुर्योधन ने भी देखा था, रूप तो रावण ने भी देखा था, और न जाने कितने कितने जरासंध असुरों ने देखा, बस रूप ही देखा, स्वरूप नहीं देख पाए। स्वरूप का मतलब स्वभाव, कैसे देखोगे? कोई तो बताने वाला चाहिए, वो स्वरूप है कान। इसलिए वृंदावन जाकर बस देखकर मत आ जाओ, कुछ सुनकर आओ, किसी संत के पास जाकर उनके थोड़े चरण दबाओ, उनसे कुछ प्रसाद लेकर वापस लेकर आओ। कौन सा? पेड़े वाला प्रसाद नहीं, ये कानों वाला प्रसाद, जी वाला प्रसाद नहीं, जीवा का प्रसाद तो बहुत मिलता है, कान वाला प्रसाद कोई विरला ही लेकर आता है। वही कानों वाला प्रसाद ही सुखदेव गोस्वामी जैसे परम भागवत हम सबको दे रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? ये प्रसाद है। कौन सा प्रसाद? आम, रस से भरा हुआ आम, रसमालयम, समझ रहे हैं? आम बड़ा मीठा होता है, छोड़ने की इच्छा नहीं करती, गुठली को भी चबा चबा कर घिस घिस कर सफेद करके जब तक ना छोड़ दे उसकी पूरी जान कचूमड़ना निकाल दे, आम को छोड़ा नहीं जाता, छिलके पे भी लग जाए तो घसीट घसीट कर, मीठा है ना आम। भी सोचता भैया क्या चक्कर में फंस गया, क्यों भगवान ने ऐसा बनाया, छोड़ता ही नहीं मेरे को ये, इतना रस से भरा हुआ है। रसमालयम मुहो रहो रसिका भूवि भावका, आम तो बड़ो मधुर, और उसमें शुक पक्षी तोता और जब चोंच लगा दे तो और मधुर हो जाए। इसलिए शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, श्रीमद् भागवत तो बड़ा मधुर है ही, शुक पक्षी श्री सुखदेव गोस्वामी जी समाधि दशा में जब उसका वर्णन कर रहे हैं उसकी मिठास और बढ़ जाए। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, इसलिए देवता हुए सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत कथा सुनने के लिए उतर आए और स्वर के अमृत को तिरस्कृत कर दिया, उसकी महिमा को न्यून कर दिया, छोटा कर दिया, और किसकी महिमा को बढ़ाया? भागवत जी की महिमा को बढ़ाया। इसलिए भक्तों मोह रहो रसिका भूवि भावुका, इसका पान करते जाओ, अरे 7 दिन नहीं
रोज 7 वर्ष नहीं 7 जन्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बोले कब तक करें? अरे करते जाओ। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी की महिमा बहुत कठिन है। भागवत जी उसको उदाहरण के द्वारा सरल बनाने का चेष्टा करता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बस। इसलिए वृंदावन जाकर किसी एक महात्मा को उसकी सेवा कर कराओ, उनसे थोड़ा कुछ सुन कराओ, तब होगा वृंदावन जाना सफल। प्रार्थना करो, महाराज जी बस ज्यादा समय तो नहीं है, आधा घंटा कुछ सुना दो, कुछ प्रसाद लेकर जाऊं आपका बस। अरे देना तो इसको 1 किलो रबड़ी दे दो, रसमलाई दे दो, महाराज जी ये वाला प्रसाद तो मिलता ही रहता है। लेकिन जो आपके हृदय में जो एक धारा बह रही है बस, वो प्रसाद दे दो, वही विरला है बस। वो एक जो उसकी एक छीटा मिल जाएगा ना बस, वृंदावन जाना सफल हो गया। बिहारी जी का तो 10 साल से दर्शन कर रहा हूं, आज तक तो कभी बोले नहीं, देख कर आ जाता हूं, देख तो लेता हूं, जाना नहीं आज तक है कौन, ना वो मेरे को जाने ना मैं उनको जाने जाना हूं, प्रेम स्थापित हुआ नहीं। प्रेम स्थापित हुआ नहीं, लेकिन आपके मुख से ये जो प्रसाद मिलेगा इससे प्रेम स्थापित होगा। इसलिए वो संत महात्मा फिर बोल देते हैं, अच्छा बच्चे बड़ी अच्छी बात कही तूने, मेरे को हृदय की बात कह दी, लो सुन लो फिर इसका स्वरूप क्या है, इनके रूप क्या है, इनके गुण क्या है, इनकी लीला क्या है, बेटा सुन कर जाओ। और यही रूप सुना श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने, वरहा पीड़म नटवर व्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विभिद्र वासम कनम कपीशम वैजंती समालम रंध्या वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंद रमनम सपद रमनम प्राविष्टा गीत कीर्ति। आहा क्या रूप है, श्याम श्यामम हिरण्य परधीन वरमाल वरहा, जैसे आकाश में नव जलधर मेघ होते हैं ऐसा श्याम रूप है, कमल जैसे नेत्र हैं, हाथ में वंशी मुरली धारण कर रखी है, सिर पे मोर मुकुट है, गले में पीताम्बर जैसे आकाश में बिजली चौंकती है ऐसे पीताम्बर धारण कर रखा है, चरणों में नुपुर, कमर में पटका, और सखाओं के साथ जब आ रहे हैं प्राविष्टा गीत कीर्ति, सारे सखा कृष्ण की कीर्ति का गान करते आ रहे हैं उनकी महिमा का। आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने उसको मारो, आज कन्हैया ने इसको मारो, आहा यही गीत कीर्ति थी, सखा इसका गान करते आ रहे हैं और आनंद में झूम रहे हैं। तो बेटा ये है कृष्ण का स्वरूप, ये है इनका रूप, ये भगवान का रूप है। अब स्वरूप जानोगे, गुण जानोगे। महाराज जी 5 मिनट और समय रह गया, बताइए दो तो सुनो। हमारे रूप गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, अयम नेता सुरम्यम का सर्व सर्व लक्षान्वितम रुचिर तेजस युक्त बल्यान व्यवसान्वित विविध अद्भुत भाषा भी सत्य वाक्यों प्रियवदा वावदू सुपंडित बुद्धिमान प्रतिभान्वित विदग्ध चतुर दक्षो कृतज्ञ सुरता देश का सुपात्र का शास्त्र चक्षु सुरु चुरवसी। अरे भैया भैया, अरे गुरुजी गुरुजी, ये तो बहुत सारे गुण बता दिए, एक ही बता दो। ओ अच्छा ठीक है बेटा, सारे गुणों में सबसे बड़ा गुण भक्त वत्सल। भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य, ये गुण के सामने सारे गुण फीके पड़ जाए, भक्तों के लिए ने क्या ना क्या कर लो, सब कुछ उनके लिए करते हैं। अच्छा हो गया दर्शन वृंदावन का, बस गुरु जी प्रसाद मिल गया, अब भूलना नहीं, अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा तुमसे।
और अगली बार आंखों में सुरमा लगाकर आना। गुरुजी वो वाला जमाना तो चला गया, आप कौन लगाता बैठता सुरमा? अरे काजल तो लगा सकता है गुरुजी, वो तो महिलाएं लगाती है ना, हम पुरुष थोड़ा काजल लगा कर आएंगे, अच्छा थोड़ा लगता है। अरे बेवकूफ, उस काजल की बात नहीं कर रहा, वो काजल जो वृंदावन के जो प्रेमी संत, प्रेमी भक्त, जो परम भागवत भक्त अपनी आंखों में सदैव लगाए रखते हैं, और उस काजल के कारण वो कृष्ण का सदैव दर्शन करते रहते। गुरुजी ये लोई बाजार में मिलेगा? अरे चुप। अच्छा बनखंडी महादेव के पास बाजार, वो बांकी बिहारी जी का बाजार कौन से बाजार में मिलेगा? राधा कुंड पर, गोवर्धन पे, बरसाना में, नंदगांव में, रावल में, कौन से बाजार में मिलेगा गुरुजी? ब्रजधाम से इतना दूर बैठा अमेरिका में, ब्रजधाम का स्मरण हो रहा है, एक एक बाजार, एक एक कोना वहां का स्मरण आ जाता है। अच्छा तो गुरुजी कौन से बाजार में मिलेगा? तो बेवकूफ ये किसी बाजार में नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ मिलेगा? बोलते हैं भक्तों के बाजार में मिलेगा, संत मंडली के पास मिलेगा। इस काजल का नाम जानते हो क्या है? इस काजल का नाम है प्रेम। अगली बार आइयो तो ये दिखावा दिखाकर मत आइयो कि वृंदावन आ रहा हूं रोलेक्स की घड़ी पहनूंगा, वृंदावन आऊंगा तो ये वाला जूता पहन के जाऊंगा। ये अकिंचनों की भूमि है, ये निष्किंचनों की भूमि है। यहां पर प्रेम का काजल लगाकर आइयो। प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। संत लोक प्रेमी भक्त अपनी आंखों में प्रेम का काजल लगाकर भगवान का दर्शन करते हैं, तो दर्शन होता है, तो दर्शन होता है। इसलिए ऐसा दर्शन हो और वो प्रसाद हो, टिक्की लस्सी वाला चलो वो भी भूख लगती तो खा लो कोई बात नहीं, क्योंकि बिना भोजन भजन ना है गोपाल, ले तेरी कंठी ले तेरी माला, बिना भोजन भजन ना है गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला, ले भैया उठाल तेरी कंठी ये तेरी माला, भूख लग रही है? तो इससे दोनों ही प्रसाद हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमको वही प्रसाद दे रहे हैं, सुख मुखान अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवत रसमालयम। अरे इसको पान करो भूख प्यास ही खत्म हो जाएगी। मुहो रहो रसी का भोगी भाव का। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। एक भजन सुन लेते हैं फिर आगे की कुछ कथा को श्रवण करें। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु वृंदावन की एक महिमा सुना दो, मन से ही हमको वृंदावन ले चलो भाई। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, ऐसे जाना तो मुश्किल है, और मन से ही वृंदावन ले चलो। वृंदावन बिहार लाल की जय, श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की मन चले वृंदावन धाम
सभी लोग मन के द्वारा वृंदावन धाम चलेंगे। तुम आंखों को बंद करते हुए काले की सेवा करते हुए सब लोग वृंदावन धाम पर स्नान करते हुए हमारे पीछे पीछे राधे राधे का मन चले वृंदावन धाम राधे राधे भगवान का नाम लीजिए।
श्री से प्रार्थना करिए हे राजे हे विश्वेश्वरी जन्म जन्म श्री वृंदावन का वासी हे राजे वृंदावन को वास भयो जहाँ नित्य भरे जमुना महारानी उस यमुना महारानी की क्या कह रहे हैं बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिए ये ब्रज के पद हैं जो जन जान के ध्यान धरो को मिले राजधानी हो वृंदावन के विश्व को मरम न जाने को जहां क्या होता है क्या बोल रहे हैं डाल डाल वृक्ष के कण कण में वृक्ष के हर वृक्ष में वृक्ष के हर वृक्ष या वृक्ष के हर पशु में क्या बोलते हैं राधे राधे हो सभी से प्रार्थना है तो हाथ डाले के साथ वो हाथ खाकर एक बार श्री राधानी के जय श्री राधा रानी की राधे राधे गाए श्यामा श्यामा गाए 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 सभी एक साथ हमारे साथ बोलिए राधे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोली महा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि मुकुंद माधव गोविंद नमो हरि मुकुंद माधव गोविंद नमो हरि हरि केशव माधव हरि हरि गो हरि केशव माधव हरि हरि गो माधव गोविंद गो बोलि माधव गोविंद गो हरि केशव माधव हरि हरि गो हरि केशव माधव हरि हरि गो मुकुंद माधव गोविंद गो मुकुंद माधव गोविंद गो हरि केशव माधव हरि हरि गो हरि केशव माधव हरि हरि गो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
राधे राधे गाएंगे शाम शाम गाएंगे।
रानी की जय रानी की जय राधा रानी की जय दोनों पर साए रानी जय 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 दोनों पर साए रानी की जय 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 हो राधा रानी की जय रानी की जय राधा रानी की जय रानी की जय राधा रानी की जय वृंदावन की महिमा गान कर रहे हैं श्री राधा नाम कैसा पड़ेगी मधु Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram.
कीर्तनकारी प्रभु अभी पूरा जोश से वो भी कीर्तन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और मैं भी कथा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, आनंद आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने शुकदेव गोस्वामी जी की महिमा को श्रवण किया। ये महिमा बस यहीं तक सीमित नहीं है। शुकदेव गोस्वामी जी की महिमा को आज दिन भी यदि वर्णन करने जाए तो भी समाप्त ना, परंतु कुछ प्रणाम मात्र किया, नहीं तो श्री आनंद वृंदावन चंपू जैसे ग्रंथों में शुकदेव गोस्वामी जी की महिमा बड़े विस्तार रूप से वर्णन हुई है। आगे बढ़ते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी जी से प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर श्री शुद्ध गोस्वामी जी नैमिषारण्य में कर रहे हैं, परंतु प्रथम स्कंध में विशेष रूप से भागवत जी के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जीवन चरित्र है
प्रथम स्कंध में ही परीक्षित महाराज जी का जीवन चरित्र और वहीं पर ही सुखदेव गोस्वामी जी का जीवन चरित्र वर्णन हुआ। इन तीनों के जीवन चरित्र से ही संपूर्ण प्रथम स्कंद समाहित है। हम लोगों ने श्रवण किया श्री सुखदेव गोस्वामी जी का जीवन चरित्र, परीक्षित महाराज जी जो कि श्रोता हैं, वे कम नहीं परम भागवत हैं। चलिए उनका कुछ जीवन चरित्र श्रवण करें। आज प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करें। तो प्रथम स्कंद में महाभारत जी का, प्रथम स्कंद में महाभारत जी का कुछ एक अंश वर्णन हुआ है कि महाभारत युद्ध के उपरांत जहां पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और उसमें भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ है, अपने सारे भाइयों को खो बैठा है, अर्थात सब मारे गए। और महाभारत का युद्ध लगभग पूर्ण स्थिति में ही पहुंच चुका है, परंतु ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा अपनी मित्रता, अपना मैत्री भाव दिखाने के लिए दुर्योधन के पास आया। अश्वत्थामा कहने लगा, हे मित्र, तुमने कभी हमको उचित सम्मान नहीं दिया और उसकी उसका परिमाण ये कि आज इस स्थिति में तुम बैठे हो। दुर्योधन ने कहा, ऐसा कौन सा अवसर मित्र जब मैंने तुमको उचित सम्मान नहीं दिया, अपने मित्र के रूप में तुमको माना। बोलते, नहीं वो बात नहीं, तुमने कभी हमको सेनापति नहीं बनाया। हमको यदि कभी सेनापति बनाया होता तो आज महाभारत का युद्ध जीत गए होते, इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं जानता हूं तुम पांडव तुम्हारे वैरी हैं, तुम मुझको सेनापति बनाओ और तुम्हारी मनोभीष्ट इच्छा को पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने अपनी जंगा से निकले हुए रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा तो हम ये गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, अर्थात गोपियों की चरण धूल को मस्तक पे धारण करते हैं, कुछ लोग सिंदूर धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं ये नहीं पता। हाँ, वो लाल टीका लगाना है, क्यों, नवरात्रे आ गए ना। उस लाल टीका का अर्थ क्या है, कभी इसको जानने का प्रयास किया नहीं, बस लाल टीका लगाना है। नहीं, हर बात को समझकर जानकर विधान से विधि से जब उसका पालन किया जाता है तो अनुभूति होती है। और यदि बस जब करना ही है, समाज करता है, तो उससे कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं। मस्तक पर ये गोपी चंदन का तिलक लगाया जाता है, ये देखो दो लाइनें हैं, ये क्या है, इसको स्थापित किया जाता है प्रत्येक दिन। हम लोग दिन में सुबह और संध्या के समय दो बार अंततः मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, इसका विशेष महत्व है। बहुत से कारण हैं, मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा।
क्योंकि हमारा प्रसंग बहुत विस्तार है, प्रसंग का विस्तार है। ये दो लाइनें क्या, भगवान के दो चरणों को मस्तक पे धारण कराया जाता है। और ये क्या, ये चरणों में जैसे तुलसी धारण कराई जाती है, ये तुलसी को धारण किया जाता है, जिससे हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य भगवान के चरण कमल प्राप्ति, ये हमको स्मरण कराता रहे। और दूसरा, ये गोपियों की चरण धूल है, इसको धारण किया जाता है। जो चरण धूल प्राप्त करने के लिए जब भी कोई ब्रज में जाए, वो यही प्रार्थना करता है, हमको चरण धूल प्राप्त हो जाए। उद्धव जी गए, ब्रह्मा जी गए, शिव जी, सब गोपियों की चरण धूल प्राप्त करना चाहते हैं। वही चरण धूल को वैष्णव जन मस्तक पे तिलक धारण करते हैं, ये उनकी शोभा है, यही उनका अलंकार है, मस्तक पे तिलक। तो कहां तो ये तिलक, और कहां रक्त का, खून का तिलक। दुर्योधन ने जंगा से निकले हुए रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक धारण किया, और जिसके मस्तक पर रक्त का तिलक हो तो सोचो उसकी क्या अवस्था हो। इसलिए अश्वत्थामा रात्रि बेला में, अंधकार के समय में पांडवों के शिविर में पहुंच गया, इस उद्देश्य से कि जब पांच पांडव सो रहे होंगे तो मैं अपनी तलवार से उनका गला काट दूंगा और उनके मस्तक को काटकर अपने मित्र के चरणों में उसकी आहुति दूंगा। भक्त वत्सल भगवान आज समझ गए कि मेरे पांडवों पर कोई विपत्ति आने वाली है, समझ गए। इसलिए भगवान पांडव से कहने लगे, हे पांडवों, जब से महाभारत का युद्ध हुआ कभी एक साथ बैठकर दो मीठे बोल नहीं बोले। आज तुम लोग अपने शिविर पे मत सोना, चलो हम एक साथ मेरे शिविर में आना, हम एक साथ बैठकर खूब ढेर सारी बातें करेंगे और एक साथ एक ही शिविर में सोएंगे। पांडव ने कहा, ठीक है, हे कृष्ण, जैसा आप कहते हैं ऐसा करता हूं, ऐसा करते हैं, लेकिन अपने शिविर को तो खाली छोड़ नहीं सकते। तो पांडव ने अपने पांच बालकों को अपने शिविर में सुला दिया और स्वयं श्री कृष्ण के साथ उनके शिविर में आ गए। अश्वत्थामा यही विचार करके कि पांडव अपने शिविर में हैं और सो रहे होंगे, और ऐसे ही सुप्त अवस्था में मैं पांच पांडवों के मस्तक को काटकर दुर्योधन को अर्पण करूंगा और इस बात को मैं साबित करूंगा कि मुझको सेनापति बताया बनाया तो देखो हम महाभारत का युद्ध जीत गए। तो इसी प्रकार अंधेरे में पांच बालकों के मस्तक काटकर दुर्योधन, नहीं, अश्वत्थामा पांच बालकों का मस्तक काटकर दुर्योधन के पास रख दिए। दुर्योधन ने कहा, अरे, जिन पांडवों को हराने के लिए इतने दिन लग गए, आज तक हम कुछ नहीं कर पाए, अश्वत्थामा कैसे संभव हो पर, कैसे संभव हुआ। बोले, मित्र, हमको तुमने सेनापति बनाया, देखो हमने वो कार्य पूरा किया। दुर्योधन को थोड़ी शंका हुई। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अश्वत्थामा, इसमें से जो भीम का जो मोटा मोटा सिर है वो लाओ, मैं अपने हाथ से फोड़ देना चाहता हूं। अनुमान लगाते हुए अश्वत्थामा एक मोटा सा मस्तक लाकर दुर्योधन के सामने रखा और दुर्योधन ने अपने हाथ से उसको फोड़ दिया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र, ये किसका मस्तक ले आए, उजाला करके देखो। तो दीपक जलाकर देखा तो देखा, अरे, ये तो पांच बालकों का मस्तक है। दुर्योधन ने बड़ी भर्त्सना की, मित्र, तुम तो मित्र कहने योग्य नहीं हो, पांच बालकों को, सोए हुए पांच बालकों को मस्तक तुम ले आए, पांच बालों के हत्यारे तुम हो, ये तो मेरे वैरी नहीं थे, पांच पांडव मेरे वैरी थे, तुमने ये उचित कार्य नहीं किया, मित्र, उचित कार्य नहीं किया, तुम यहां से दूर चले जाओ,
मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। और उधर द्रौपदी अपने पांच बालकों को देखने के लिए रात के समय में आई तो देखा तो पांच बालकों का मस्तक ही नहीं है। द्रौपदी जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाहट को सुनकर पांडव दौड़े दौड़े शिविर में आए। देखा धर पड़े हुए हैं, बालकों के मस्तक ही नहीं है। अर्जुन को तो अत्यंत क्रोध, भीम को क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे पांच बालकों के हत्यारे को मैं जब तक तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगा मुझे सुख शांति नहीं मिलेगी, मैं लेकर आऊंगा। अर्जुन क्रोध में जो गए, कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठे। गुप्तचरों से पता लगा कि रात्रि वेला में अश्वत्थामा आसपास कहीं घूम रहा था। अनुमान लगा लिया, हो ना हो ये अश्वत्थामा का कार्य है। बस उसी समय रथ लेके जो भागे, जो दौड़े अश्वत्थामा के पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। अश्वत्थामा को लगा मेरी तो साक्षात मृत्यु, मेरा काल मेरे सामने आ रहा है। इसलिए अश्वत्थामा ने एक छोटा मोटा नहीं, ब्रह्म अस्त्र ही छोड़ डाला। अर्जुन का मुंह सूख गया, हे केशव क्या करूं क्या करूं। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, लौटाने की विद्या नहीं जानता। और तुम भी यदि एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दोगे तो आज तो प्रलय हो जाएगी। दोनों तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और ऐसा कुछ करो कि दोनों ब्रह्मास्त्र की दिशाएं बदल जाए और वो दोनों तुम्हारी ओर चले। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर खींच लिया और अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर जैसे एक पशु को घसीट कर लाया जाता है ऐसे पशु की भांति अर्जुन को घसीट कर लाकर द्रौपदी के सामने फेंक दिया। लो द्रौपदी यही है तुम्हारे बालकों का हत्यारा, लो द्रौपदी। द्रौपदी तो देखकर हैरान हो गई और अर्जुन से कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण है, किसी भी शास्त्र में ब्राह्मण पर प्रहार का विधान नहीं लिखा गया है और ये तो गुरु पुत्र है, मैं तो अपने पुत्रों को खो बैठी हूं। इनकी माता जो आपके गुरु माता हैं, वो अपने पुत्र के वियोगों को कैसे सहन करेगी, ये हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, इसलिए गुरु जी के पुत्र पर ऐसा प्रहार ऐसा अत्याचार ये शोभा नहीं देता, आप इनको छोड़ दीजिए। बोलते धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी। इसलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को इतना प्रेम करते हैं और द्रौपदी श्री कृष्ण को इतना प्रेम करती है, क्यों, इसी कारण से क्योंकि ये लोग धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अपने पांच बालकों के हत्यारे में भी ये अपने गुरु पुत्र का दर्शन कर रही हैं। दृष्टि ही तो है, सब दृष्टि का ही तो कमाल है। मैंने आरंभ में ही कहा किसी की दृष्टि ही ऐसी है कि क्या करें, दृष्टि से ही उसका स्वभाव पता लगता है, अच्छी वस्तु में भी गंदगी ढूंढता है और किसी की दृष्टि ऐसी कि गंदगी में भी अच्छी वस्तु ही ढूंढता है। द्रौपदी की दृष्टि कैसी है देखो, सब दृष्टि का ही तो फेर है। अपने पांच बालकों के हत्यारे में भी अपने गुरु जी के पुत्र का दर्शन कर रही है, ये दर्शन ही तो सब कुछ है। अब इसी एक वाक्य या कहूंगा एक शब्द दर्शन पर ही तो बड़ा विस्तार है, ये शब्द दर्शन ही इसका बहुत विस्तार है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, भीम सामने आ गए, अर्जुन छोड़ना नहीं, ये आतताई है, शास्त्र में विधान है आतताई को देखने से ही मार देना चाहिए। आतताई का तो जो किसी का घर जला दे, जो किसी को मार डाले,
वो आतताई है, उसको मारने पर कोई दोष नहीं लगता। अर्जुन समझ नहीं पा रहे क्या करूं, कृष्ण की ओर देखने लगे, केशव क्या करूं। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन मैं नहीं जानता, तुम स्वतंत्र रूप से जो ठीक समझते हो, उचित समझते हो, वह करो। द्रौपदी को जो शपथ दी है उसको पूरा करो। बड़े भैया भीम जो आदेश कर रहे हैं उसको भी रखो। धर्म जिसको कहता है उसका भी पालन करो, और जो मुझको भी प्रिय है वो सब करो। तुम स्वतंत्र हो, यही भगवान का स्वभाव है। भगवान किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हमारी स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप करेंगे तो फिर हम स्वतंत्र जीव नहीं रहे। समझना इस बात को। भगवान तुमने मुझसे ऐसा क्यों करवाया, भगवान कराने बैठे हैं। एक पिता अपने घर में बच्चे को बोलता है, बेटा ये चाकू ले, जरा दो चार को मार कर आप, अच्छे से काटियो, एकदम गला काटियो, बचे ना। कोई माता पिता ऐसा बोल सकता है, जा बेटा उसके घर को आग लगा कर आ, जरा पूरा जल जाना चाहिए घर। तो क्या भगवान हमसे गलत काम कराते हैं? नहीं, हमारी स्वतंत्र इच्छा है, भगवान का उस इच्छा से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कोई भी काम धंधा करें, कोई हमको रोक टोक है क्या? लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है हम किसी का घर जला दें, वहां तो फिर पकड़ में आएंगे, गिरफ्तारी है। इसलिए भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि तुमको मेरा भजन करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती का सौदा, ये तो प्रेम का सौदा है, प्रेम तो जबरदस्ती होता नहीं। हाँ, उपदेश अवश्य दिया, जो पालन करेगा वो मुझको प्राप्त करेगा, जो नहीं करेगा सो नहीं करेगा। उपदेश तो है लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वतंत्रता। इसलिए अर्जुन तुम स्वतंत्र हो, विचार करके जो करना सो करो। बस अर्जुन ने सब कुछ विचार किया, अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर धक्के मार के उसको निकाल दिया। बोलते हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक ब्राह्मण की ऐसा अपमान ही अपने आप में उसकी मृत्यु के समान है। इससे बढ़कर उसकी मृत्यु क्या है? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ब्राह्मण, इनका अपमान करके धक्के मार के निकाल दिया जाए, ये उनकी साक्षर मृत्यु के ही समान है। इसलिए बड़े भैया भीम के आदेश को भी पालन किया कि इसको मार देना चाहिए, द्रौपदी के वचन को भी रखा, धर्म क्या कहता है उसको भी रखा, अश्वत्थामा की माथे की मणि को निकालकर धक्के मार के निकाल दिया, साक्षात मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा दौड़ा तो, लेकिन अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में पूरा भरा हुआ, पहले तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, पांच पांच ब्रह्मास्त्र पांच पांडवों की ओर छोड़ दिए। अर्जुन, हे केशव अब क्या करूं? भगवान के पास एक विकल्प था, भगवान कह सकते थे अर्जुन जाओ तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान ने अपने चक्र से ही ब्रह्मास्त्रों को खंडित कर दिया और अश्वत्थामा भाग गया। कृष्ण जैसे तैसे द्रौपदी को सांत्वना प्रदान किए, पांडवों को सांत्वना प्रदान की। इसलिए महाभारत का कुछ एक अंश प्रथम स्कंद में वर्णन हुआ। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा पांडव अब मैं द्वारका चला, द्वारका में भी सब लोग मुझको याद कर रहे हैं,
और कोई द्वारकार उनको जाने देना नहीं चाहता। युधिष्ठिर आए, भीम आए, अर्जुन आए, नकुल, सहदेव, एक एक करके सब आकर श्री कृष्ण को रोक रहे हैं। और कृष्ण एक महीना दो महीना ऐसे करते करते बहुत समय काल तक पांडवों के साथ ही रहने लगे। ये चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम महीना। मैं इसके संबंध में कल बतला रहा था, पांडवों के वनवास के समय भी जो उनको अज्ञातवास हुआ था उस समय भी कहीं बीच में ये पुरुषोत्तम महीना आया था। बड़ी सुंदर वर्णन आता है। पांडवों को एक वर्ष तक, 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास, ये बड़ा भारी था। और इसमें ये शर्त थी कि यदि ये दिख गए और पहचान ले जाए तो इनको फिर से पुनः 12 वर्ष का वनवास। इसलिए पांडव अपने आप को छिपाने के लिए एक राजा के यहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले तो युधिष्ठिर ही आए, महाराज हमको कुछ काम मिल जाएगा। बोलते तुम क्या जानते हो, राजा बड़ा दयालु। बोलते महाराज मैं बड़ी अच्छी चौपड़ खेलना जानता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर तो स्वयं राजा है ना, चौपड़ खेलना जानता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, हम तुमको अपने काम पे लगाते हैं, हमारे साथ चौपड़ खेलना। इतने में भीम आ गए, अंगोछा लटकाया हुआ कंधे पर। बोले महाराज हमको कुछ काम मिलेगा। बोले क्या जानते हो, बोलते रसोई करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। जाओ तुम हमारे रसोई घर में जाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। भीमसेन ने सोचा और हमको क्या चाहिए, पकवान बनाते भी रहेंगे खाते रहेंगे, रसोई घर मिल गया, अरे भंडार है। भीम को भी काम में लगा लिया। और इसी वर्ष अर्जुन को शाप लग गया था। अर्जुन इंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक गए, मतलब इंद्रपुरी नहीं गए, कहीं आप सोचो इंद्रपुरी चले गए। स्वर्गलोक को इंद्रपुर कहा जाता है, जहां पर इंद्र वास करते हैं, इंद्रपुरी, ये भी स्वर्गलोक का एक नाम है। वहां बड़े बड़े देवता इंद्र वास करते हैं, राजा यहाँ। अर्जुन इंद्रपुरी गए, स्वर्गलोक गए, अर्जुन के रूप को देखकर उर्वशी का मन अर्जुन पर आ गया। और उर्वशी अर्जुन के पास जाकर प्रस्ताव देने लगी, प्रपोज किया। अर्जुन ने कहा माता आप तो मेरी माता के समान हो। और उर्वशी कहने लगी क्या बोलते हो, हाँ हम तुमको इतना अच्छा प्रस्ताव देते हैं, तुम हमको पसंद आए, और हो सकता है मैं भी तुमको पसंद आ गई हूं, क्यों ना हम दोनों एक साथ विहार करें। तो आप तो मेरी माता के समान हो, आप मेरे पिता इंद्र, आप तो उनके महल में इंद्रपुरी में आप उनकी सेवा करती हो, तो जो मेरे पिता की सेवा करे वो तो मेरी माता के समान हो सकता है। बस उर्वशी ने शाप दे दिया, क्या निपुंसक वाली बातें करते हो, जो मैं शाप देती हूँ तुम निपुंसक बन जाओ, तुम निपुंसक बन जाओ। अर्जुन निपुंसक बन गए। ये शाप अर्जुन को बहुत काम आया, एक वर्ष का अज्ञातवास। जब अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपने भाव समझाए तो उर्वशी ने कहा ठीक है एक वर्ष तक निपुंसक रहोगे। और ये एक वर्ष अज्ञातवास अर्जुन का बड़ा काम आया। अर्जुन भी इन्हीं राजा के यहाँ पर पहुंच गए, महाराज हमको भी कोई नौकरी मिलेगी, कोई काम मिलेगा। बोले तुम क्या जानते हो, बोलते मैं बड़ा अच्छा नृत्य करना जानता हूँ, नृत्य सिखाना जानता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ, हमारी पुत्री है उसको नृत्य सिखाओ।
अर्जुन नित्य सिखाने लग गए राजा की कन्या को। नकुल सहदेव चले आए, महाराज हमको भी कुछ काम मिलेगा? बोलते तुम क्या जानते हो? बोलते हम घोड़े के मूत्र को दूर से ही सूंघकर बता सकते हैं घोड़ा अच्छी नस्ल का है कि नहीं है। राजा ने बोला तुम तो बड़े काम के व्यक्ति हो, जाओ हमारे घुड़जर में जाओ जहां पर घोड़े बंधे हैं। और इतने में द्रौपदी भी चली आई, बोले महाराज हमको भी कोई काम दो। बोले तुम क्या जानती हो? मैं बहुत अच्छे केश संवारना जानती हूँ। तो द्रौपदी को भी रानी के यहाँ पर काम पे लगा दिया। पांच सभी पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास इन राजा के यहाँ पर, कि कोई यहाँ पर आएगा ही नहीं, दुर्योधन कौरव में से कोई आ ही नहीं सकता, और एक वर्ष हमारा यही राज्य में महल में ही रहकर राजा की सेवा करके हम जैसे तैसे निकालेंगे। इसी बीच में एक वर्ष का समय जब अंत होने को आ रहा है, उसी समय कौरवों ने युद्ध की चुनौती दे दी। इस राजा को युद्ध की चुनौती आई और ये राजा बोलने लगा ये कौरव अपने आप को समझते क्या है? क्या समझते हैं हम कम हैं? युद्ध की चुनौती देते हैं, हम भी युद्ध के लिए उपस्थित हैं। राजकुमार कहने लगा पिताजी आप तो बैठो घर, मैं जाता हूं। अरे ये कौरव क्या है, देख लूंगा इनको, दुर्योधन है क्या है ये? हाँ, बड़े क्रोध में अभिमान में रथ पर बैठकर जाने लगे, अर्जुन सामने आ गए और अर्जुन कहने लगे हे राजकुमार कौरवों से युद्ध करने जा रहे हो, जानते हो वो कौन है? अरे कौरव हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अर्जुन हंसे, बोलते बेटा अभी तो तुम यही बोल रहा है, जब सामने देखोगे तो समझ आएगी कौरव क्या बिगाड़ सकते हैं। अर्जुन ने कहा राजकुमार हमको साथ लेके चलो, हम तुम्हारे सारथी बनेंगे। और राजकुमार कहने लगा हे ब्रहन लल्ला तुम तो नृत्य सिखाना जानती हो, जाओ जाओ नृत्य करो, ये युद्ध का क्षेत्र है, यहाँ पर वीर शूर यहाँ पर तो रथी महारथी ऐसे लोग ही जा सकते हैं। अर्जुन ने कहा मैं नृत्य सिखाना भी जानता हूँ और रथ भी बड़ा अच्छा चलाना जानता हूँ, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि अर्जुन जानते थे क्या होने वाला है। जब अर्जुन जाने के लिए उपस्थित हुए, रथ पर सारथी बनकर चलने लगे, और जैसे रथ पर बैठे युद्ध क्षेत्र के बीच में जाकर रथ को स्थापित कर दिया। राजकुमार ने दूर से ही कौरवों को देखा, पसीने छूट गए, भीष्म कर्ण दुर्योधन दुशासन कृपाचार्य द्रोणाचार्य, अरे बाबा रे बाबा, बाप रे बाप, पसीने छूट गए और बस भागो यहां से। बोला भागो यहां से, अब ये कौन इनसे, ये भीष्म से इसे कौन लड़ेगा, कर्ण से कौन लड़ेगा, एक से बढ़कर एक योद्धा महारथी यति रथी। अर्जुन ने कहा भागता कहां है राजकुमार, बैठ जा युद्ध कर। बोलते ना बाबा तू हमारा रथ ले चलो। अर्जुन ने कहा चुपचाप बैठ जाओ और ये धनुष बाण हमको दो, हम धनुष बाण चलाएंगे। बोले क्या बोल रहे हो तुम निपुंसक, तुम धनुष बाण चलाएगा? बोले हमको ये सब आता है, तुम चुपचाप बस बैठे रहो। और अर्जुन ने राजकुमार को रस्सी से बांध दिया, तुम बैठ जाओ। उसके बाद अर्जुन ने जो बाण चलाने आरंभ किए, एक बाण में ही हजारों बाण की वर्षा, भीष्म जी को पराजित किया, द्रोणाचार्य जी को पराजित किया, कृपाचार्य को पराजित किया, कर्ण को पराजित किया, एक अकेले योद्धा अर्जुन ने, दुर्योधन दुशासन सब पराजित, सबके धनुष बाण तोड़ डाले, रथ तोड़ डाले। सब हैरान हो रहे भाई ये कौन है। उस समय दुर्योधन सामने आया और बोलने लगा हाँ मैंने पहचान लिया, ये अर्जुन को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता, किसी में इतना बल नहीं, ये अर्जुन ही है।
और सभी ने विश्वास किया कि अर्जुन को छोड़कर भीष्म जी को कोई और हरा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा, अरे पांडव, अज्ञातवास में तुमको हमने पहचान लिया, जाओ 12 वर्ष का और संन्यास अर्थात वनवास। उस समय पांडव कहने लगे कृष्ण को साक्षी देकर कि देखो 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो गया है, और हिसाब लगाकर देखा तो बीच में एक अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम महीना भी आया, जिस कारण से दुर्योधन ये नहीं जान पाया, लेकिन पांडव को ये पता था ये पुरुषोत्तम महीना अधिक मास, जिस अधिक मास में हम लोग ये भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, यही अधिक मास। उस समय भी इसलिए अधिक मास की बहुत महिमा है। ऐसे करते श्री कृष्ण जब जाने लगे, सब रोकने लगे और सबके कहने पर कृष्ण जब रुके, अब रथ पर बस चरण रखे थे तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, पाही माम पाही माम, कृष्णा कृष्णा पाही माम। उत्तरा जो गर्भवती थी और उत्तरा के गर्भ में पांडव के वंशज परीक्षित जी, उत्तरा के गर्भ में पांडव के जो वंशज अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर फेंक दिया कि पांडव का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इनके वंशज को तो मैं समाप्त कर दूं ताकि फिर पांडव जैसा और कोई जन्म ना ले पाए। बस पांडव ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। विचार करने का समय नहीं, कृष्ण उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। बताओ भगवान के पास और भी विकल्प थे, बाहर से भी रक्षा हो सकती थी, चक्र से भी ब्रह्मास्त्र को खंडित कर सकते थे, अर्जुन को बोलकर दोनों ब्रह्मास्त्र को दिशा बदल सकते थे, अपनी ओर खींच सकते थे, लेकिन उत्तरा के गर्भ में चले गए। क्यों? पांडव के वंशज को देखने के लिए, उन परीक्षित जी को देखने के लिए, या फिर उन परीक्षित जी को दर्शन देने के लिए उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। अरे माता के गर्भ में कौन जाना चाहता है? सभी भक्त प्रार्थना करते हैं माता का गर्भ फिर से प्राप्त ना हो, माता का गर्भ फिर से प्राप्त ना हो। बड़े कष्ट में 9-10 महीने वहां रहना पड़ता है, उल्टा लटक कर कीड़े काटते हैं, बच्चा रोता है। कोई ऋषि मुनि माता का गर्भ नहीं चाहता। और क्या बहुत सुंदर स्थान है क्या? मल मूत्र रक्त में बच्चा पड़ा रहता है, ऐसे स्थान पर भी भगवान जाना पसंद करते हैं। ये प्रथम स्कंद की भागवत की कथा मैंने तो बड़े सार रूप में बताई, लेकिन ये प्रथम स्कंद की कथा में 7 दिन चले जाएं तो न समाप्त हो। कुंती जी की स्तुति प्रथम स्कंद में सबसे पहले जो स्तुति हुई है, कुंती जी की स्तुति, चलो स्तुति को प्रणाम ही कर दें। नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्व प्रकृति परम लक्षति सर्वभूतानाम अंतर्भैरवस्थितम, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगे, यथा ऋषिकेश खलन देवकी कम सुरदाचिता सुचर्पिता विमोचितम अहम स्वात्म जो विभो तो एक नाथ मुहु विपद गना। पुरुष दर्शया रसन वासे वन कृषे कृषे मृदे मृदे अनेक अस्त्रो द्रोणु अस्तु चा भी रक्षति। ये कुंती जी स्तुति कर रही है। गोप्य ददे कृत घासम दाम तवद याते दशिश अश कलिजम समक्षम वक्त्रवनन्या भय भवन्य स्थितस्या सा विमोहयति भीरपि यद्भिभेति। कुंती जी बहुत सी प्रार्थना की है, कितनी करें, एक एक श्लोक भी कुंती जी की प्रार्थना का ले लिया जाए तो हो गया 3 घंटा तो वही। तो कुंती जी की प्रार्थना को ही यही स्तुति को ही प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। देवता लोग
स्वर्ग से कभी आते हैं पृथ्वी पर तो पृथ्वी को छूते नहीं है, ये लक्षण है देवताओं का, पृथ्वी से ऊपर ऊपर रहते हैं। क्यों? बोलते यहाँ पवित्रता नहीं है, अर्थात थोड़ा सा एटीट्यूड है। क्यों? सत्वगुण में है ना, सत्वगुण में है। अरे भैया आप लोग को ये ना सोचना हम देवताओं के विरोधी हैं, ना ना, राम राम, ऐसा मत सोचना भाई। परम पूजनीय समस्त देवी देवता लेकिन हम किसी की यहाँ पर निंदा नहीं कर रहे हैं, ना उनको तिरस्कृत कर रहे हैं, उनको तो प्रणाम करना चाहिए, वो हमारे से श्रेष्ठ हैं। लेकिन जहां पर हम कंपेयर करेंगे भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा, तो वहां पर अंतर आएगा, और वो दोनों एक नहीं है। हम कहेंगे अरे एक ही तो स्वरूप है, साधारण लोग बोलते हैं ना, समाज में बहुत सुनने में आता है, सब तो एक ही स्वरूप है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब तो भगवान ही है, फिर आप अंतर क्यों दिखा रहे हो? अभी हम समझा समझा कर थक जाते हैं, लोग नहीं समझ पाते। एक है राष्ट्रपति, एक है प्रधानमंत्री, फिर एक है मिनिस्टर, वित्त मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, फिर एक होता है एमएलए, होता है ना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, फिर होता है निगम पार्षद। अब हम निगम पार्षद जो मल्ले मल्ले में होते हैं, वार्ड नंबर ये, वार्ड नंबर वो, निगम पार्षद जी के पास जाकर खड़े हो जाओ, राष्ट्रपति सर, प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री है, अरे हम मंत्री तो है भाई, राजनीति में है, एक पदवी में बैठा है, हमारे लिए तो ये प्रधानमंत्री है। हो सकता है कभी एक साधारण वार्ड का निगम पार्षद जो है उसकी तुलना किसी मिनिस्टर से हो सकती है, उसकी तुलना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से हो सकती है? तो जब नहीं हो सकती तो फिर ये देवी देवता क्या है? ये भी निगम पार्षद ही है, और उनके इनके ऊपर बैठे हैं इनके प्रधानमंत्री, वह भगवान। देवताओं को तो एक एक वार्ड नंबर दे दिया, जाओ तुम इस वार्ड पर, तुम उस वार्ड पे, तुम उस वार्ड में, तुम उस वार्ड में, समस्या का समाधान करो, जल वायु इत्यादि देते रहो। सभी भगवान कैसे हो गए? एक बार एक मंदिर में कथा कह रहा था, यही प्रसंग उठ गया, वो मंदिर के पुजारी जी जो बिगड़ गए, क्योंकि वहां मंदिर में तो सभी होते हैं, बोलते सभी तो भगवान है, सब एक ही स्वरूप है। कितना समझा दिया, गीता भागवत कितना उदाहरण दे दिया, बात समझ नहीं आई पंडित जी भी। जब पता समाप्त हुई पंडित जी कहने लगे महाराज जी बिगड़े तो नहीं, सबके सामने पूछ लिया, मैंने कहा अरे बहुत अच्छा किया, आपको समझ नहीं आई लेकिन आपके कारण 500 लोगों को समझ जरूर आ गई बात बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। अच्छा अच्छा चलो वो तो कथा की बात है, आपको कथा बड़ी अच्छी लगी, मंदिर के पीछे ही मेरा घर है, घर वालों से मिलवाने चलो ना 2 मिनट के लिए, पानी वानी कुछ जल पान हो जाए। हमने कहा चलो, नहीं तो बुरा मान जाएंगे पंडित जी। घर में ले गए, घर वालों को सबको बुला लिया, आ जाओ महाराज जी आए मिलना है, सब आ गए। ध्यान से समझना उदाहरण से, तो पंडित जी खूब मिलाने लगे, ये हमारी धर्म पत्नी महाराज जी, उन्होंने प्रणाम किया, मैंने कहा माता जी आपको भी हरे कृष्णा, और ये अच्छा ये हमारी माता जी है, वृद्ध हो गई अभी थोड़ा चला नहीं जाता, मैंने कहा माता आप बैठे रहो, आपको प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, आप बड़े हैं। अच्छा चुन्नू मुन्नू इधर आ जाओ,
दो बेटियां आ गई, ये मेरी बेटियां हैं। मैंने कहा अच्छा बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, हाँ कौन सी क्लास में? तो बोलती एक, एक बोलती फोर्थ में, एक बोलती फिफ्थ में। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे। और महाराज जी ये मेरी बहन अभी आई हुई है, मंदिर में कथा हो रही थी सुनने आ गई। अब हमको तो बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया। तो मैंने जानबूझकर गलती बोली, जानबूझकर। माता को देखकर मैंने बोला पंडित जी आप क्या बोल रहे थे, ये माता ही आपकी बेटी है? क्या बोल रहे हो महाराज जी? और बच्चों को देखकर मैंने, बच्चियों को देखकर बोला अच्छा तो ये आपकी माँ है? बोलते ये क्या बोल रहे महाराज जी? तो मैंने कहा अच्छा ये जो पत्नी ही, जो उनकी पत्नी खड़ी थी, मैंने कहा ये आपकी बहन? महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो अभी संबंध बताया था आपको। मैंने बोला पंडित जी मैंने जानबूझकर गलती बोली। बोलते वो क्यों? मैंने कहा एक बात आपको समझानी है, मैं तो ये घर में जो आपने माता दिखलाई, बहन से मिलवाया, पत्नी से मिलवाया, बच्चियों से मिलवाया, ये सारी तो लेडीज ही हैं, स्त्रियां ही तो हैं, सारी घर में स्त्रियां तो हैं, एक ही तो है, अलग क्या है इसमें, सब तो लेडीज हैं। बोलते महाराज जी लेडीज होने पर भी माता के साथ माता जैसा संबंध होता है, पत्नी के साथ, बहन के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ अलग। मैंने बोला दो घंटे से मंदिर में यही तो समझा रहा था, तब बात समझ नहीं आई आपको? और मंदिर में आप ये बोल रहे थे सब तो भगवान ही है, तो मैं भी आपके घर में ही बोलता हूँ सारी स्त्रियां एक है, जिसको मर्जी माँ मान लो, जिसको मर्जी बहन मान लो, हो जाएगा? बोलते हाँ अब बात समझ आई, थोड़ी थोड़ी अब समझ आने लगी, सिर खुजाने लगी। मैंने भाई खिचड़ी मत पकाओ, भगवान का अपना स्थान है, देवी देवताओं का अपना स्थान है, हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो किसको बड़ा मानेंगे? उन भगवान को। इसलिए जो देवता है ना ये पृथ्वी को छूते नहीं है, क्योंकि सत्व गुण है ना, अभी निर्गुण स्थिति में नहीं पहुंचे। और भगवान वो निर्गुण स्थिति में है। तो देवता जहां पर पृथ्वी को छूते तक नहीं, भगवान माता के गर्भ में भी चले जाते हैं, उत्तरा के गर्भ में जाकर पांडवों के वंशज परीक्षित जी को देखने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में भी चले गए, जहां पर और कोई नहीं जाना चाहता, वो भक्त वत्सल भगवान। यही भक्त वत्सल भगवान की वात्सल्यता है, अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर डालते हैं। उत्तरा के गर्भ में चले गए, देवता लोग क्या खाते हैं? यज्ञ होता है तो हम किससे आहुति डालते हैं? सरसों के तेल से, घी से आहुति दी जाती है, देवता लोग घी खाते हैं, घी छोड़कर और कुछ नहीं खाते। पर हमारे भगवान क्या खाते हैं? कुछ भी खिला दो, केले के छिलके भी खा जाएं, सुदामा के कच्चा तंडुल भी खा जाएं, केले के छिलके तक खा जाए। देवता को देख के देखो केले के छिलके, ना तुमको गिरा दें फिसला दें तो देखना, बेटा तेरे को केले के छिलके भी फिसलवाऊंगा, देख के देखो किसी देवता को केले का छिलका। किसी देवता को ये दो जरा सुदामा के कच्चा तंडुल, ऐसा बिगड़ जाएंगे ना। क्यों? एटीट्यूड है। क्यों? वो भी क्यों है? सत्व गुण है ना। और जो व्यक्ति निर्गुण स्थिति पर, भगवान जैसे व्यक्ति इतने ऊंची स्थिति पर, लेकिन बड़े दीनहीन है, डाउन टू अर्थ, भूमि पर ही शयन कर जाएं, कच्चा तंडुल खा जाएं, छिलका खा जाएं, और उत्तरा के गर्भ में भी चले जाएं। परीक्षित जी ने दर्शन किया, भगवान ने परीक्षित को देखा, परीक्षित जी ने दर्शन किया, और इस प्रकार उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, पांडवों के वंशज की रक्षा की,
भगवान द्वारका चले गए और यहाँ पर परीक्षित जी का जन्म हुआ। जो परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने लग्न देखा और नाम दिया। क्या नाम दिया? विष्णु रात। विष्णु रात मतलब विष्णु जिनकी रक्षा करने वाले। श्री कृष्ण का एक नाम विष्णु भी है, सर्वव्यापनोति थी विष्णु। विष्णु का अर्थ सिर्फ वो नहीं जो शेष शैया पर सोए हुए लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। कृष्ण को भी विष्णु ही कहा गया, सर्वव्यापक है जो। इसलिए श्री कृष्ण ने जिनके गर्भ में रक्षा की, इसलिए इनका नाम विष्णु राज। और इनका एक नाम होगा परीक्षित। होता है ना बच्चों का, एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम। एक नाम तो विष्णु रात और एक इनका नाम हो गया परीक्षित। क्यों? बोलते जन्म लेने के साथ ही हर व्यक्ति में परीक्षा करते हैं, कहीं ये वो तो नहीं जिसको मैंने गर्भ में देखा, कहीं ये वो तो नहीं, कहाँ है वो, कहाँ है वो। हर व्यक्ति में जो परीक्षा करते हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित हो गया। और ब्राह्मणों ने लग्न देखकर कह दिया, भविष्य ना संदेह हो मां भागा मां भागवत प्रधान। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ये महाभाग्य महाभाग्यशाली बालक भविष्य में मां भागवत प्रधान, मां भागवत बनेगा। जन्म से ही लग्न से देख लिया। पांडवों ने परीक्षित जी को राज तिलक करके सिंहासन पर विराजमान किया, राजा बनाया और पांडव सब स्वर्ग आरोहण पर चले गए, हिमालय की ओर चलने लगे। यहाँ पर परीक्षित जी एक दिन वन में गए और वन में जाकर भगवान के द्वारा रचित एक एक नाटक समझ लो, जिसको साधारण भाषा में कहा जाए और सभ्य भाषा में कहा जाए तो एक लीला समझ लो। परीक्षित जी को प्यास लगी, शमक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान मुद्रा में मग्न बैठे हैं, समाधि लगी हुई है। परीक्षित जी ने जल मांगा, ऋषि ने उत्तर दिया नहीं और भगवान की योग माया शक्ति ने ही ऐसा एक रचना कर दी कि परीक्षित जी मरे हुए सर्प को लेकर बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और सर्प को शमिक ऋषि के गले में लटका दिया। और वहीं पास में नदी में पुत्र श्रृंगी ऋषि अपने मित्र बालकों के साथ स्नान कर रहे थे। उनको पता लग गया किसी ने, राजा ने आकर तुम्हारे पिता का अपमान किया। हाथ में जल लेकर ऋषि ने शाप दे दिया। अब यही अंतर होता है। यही अंतर होता है। ब्राह्मण हाथ में जल लेकर शाप भी देते हैं और हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर वरदान भी देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो हाथ में जल लेकर नहीं, हाथ में अपने नेत्रों के अश्रुओं को लेकर, अपने नेत्र के जल अर्थात आंसुओं को लेकर हम जैसे लोगों पर आशीष वचन देते हैं। इसे श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर शाप दे दिया, इति लंगेत मर्यादया तक्षक सप्त मोहिनी। आज के 7 दिन के पश्चात तक्षक नामक सर्प आएगा जो सर्पराज है, और इस कुलांगा राजा जिसने मेरे पिता का अपमान किया उसको डस कर उसकी मृत्यु बनेगी। परीक्षित को जब शाप लग गया, परीक्षित जी अपने महल में लौट कर आए, लेकिन मन में बड़ा खेद है, हाई मैंने क्यों किया, एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में लटका दिया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। मन में बड़े परेशान है क्योंकि ये तो स्वयं कर नहीं सकते ये कार्य, ये इनसे करवाया गया। किसने करवाया?
वो तो स्वयं भगवान ने करवाया। क्यों कराया? आप कहेंगे पहले तो आपने कहा था भगवान कभी गलत काम करवाते नहीं, ये गलत काम नहीं है, इसके पीछे कारण है अंदर की बात। क्या अंदर की बात? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भगवान ने अर्जुन को कौन सी किसका ज्ञान दिया? गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन को सुनाना था क्या? वो तो कहीं भी सुना देते, सुनाना हम आपको था, लेकिन अर्जुन को माध्यम बनाया गीता को, ये ज्ञान को जगत में उतारने के लिए। ऐसे ही भागवत जी को जगत में उतारना है, भागवत जी को जगत में प्रतिष्ठित करना है, तो एक कोई भूमिका तो चाहिए, उसका एक प्रेफेस, एक इंट्रोडक्शन तो चाहिए। और वो किसको बनाए भूमिका? परीक्षित जी को भूमिका बनाई और उनके द्वारा ही कार्य करवाया गया। तो ऐसा कार्य कराने पर जगत का कल्याण होगा, अकल्याण नहीं होगा। हम अपने बच्चे को चाकू देंगे, किसी को मार रहा है तो उसका कल्याण नहीं है, अकल्याण है, उसका विनाश है। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से और परीक्षित के माध्यम से गीता और भागवत जी दोनों को जगत में अवतीर्ण कराया। शिंग ऋषि दौड़े दौड़े आए, पिता के गले से मरे हुए सर्प को निकाला, पिताजी पिताजी करके रोने लगे। पिताजी के नेत्र खुले तो पिताजी ने कहा, बालक क्या हुआ? बोलते, मैंने उस राजा को शाप दे दिया जिसने आपका अपमान किया। शिंगी राजा ने, शिंगी ऋषि ने अपने पुत्र, शमिक ऋषि ने अपने पुत्र शिंगी ऋषि को भी शासन किया। हाय ये तुमने क्या किया, परीक्षित जैसे पुण्यवान राजा को शाप दे डाला, जाओ तुमने असमय पर वैराग्य धारण किया है। और अपने एक दूत के माध्यम से परीक्षित जी को कहलवा दिया, जो करना है कर लो, 7 दिन के बाद राजन आपकी मृत्यु है। परीक्षित जी तो अनशन व्रत करके गंगा जी के तट का सहारा लिया। इति मोपयतम, भक्तों के स्वभाव के संबंध में बताया गया, खांतीर अव्यत कालत्तम विरक्ति मान शून्यता, आशा बंदो समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद वस्ति सदे प्रीति, असक्ति तद गुणाख्या ने प्रति तद वस्ति फले। ये सब भक्तों के भाव बतलाए, अर्थात उनकी रुचि बतलाई गई। और सबसे पहला बताया शांति, शांति का मतलब विपरीत स्थिति पर भी जो विचलित ना हो। परीक्षित जी ने सुन लिया कि मुझको शाप लगा है, इसे बिना कोई चिंता किए परीक्षित जी उस समय गंगा जी के तट पर आकर अनशन व्रत करके बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, परीक्षित ये कर लो, परीक्षित दान करो, परीक्षित यज्ञ करो, परीक्षित दया का दान करो, परीक्षित तपस्या करो। परीक्षित जी को कोई भी उपाय इतना प्रिय नहीं लग रहा है, इतना उपकारी नहीं लग रहा। बस ऐसे ऋषि मुनियों की सभा में शुकदेव गोस्वामी जी जो चले आए, रूप का वर्णन आया, तद भगवान भगवान व्यास पुत्रो अजत यद इच्छ गाम अटमान उपेक्षा अधिक शलंगो निज लाप तुष्टो वृत्तस्य बालम अवधूत वेशः। अवधूत वेश, नंग धड़ंग, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, लंबे लंबे जिनके केश हैं, लंबी भुजाएं घुटनों तक हैं, चौड़ा वक्ष स्थल है, और ऐसी दिगंबर अवस्था में अवधूत वेश में शुकदेव गोस्वामी जी जो आ रहे हैं, बालक जो पीछे चलते चलते उन पर कंकड़ फेंक रहे थे उनको पागल समझ रहे थे, अब जब ऋषि मुनि की सभा में आकर देखा सभी तो खड़े हैं, इनके लिए इनका पूजन अर्चन हो रहा है, उसे आसन पर बिठाया जा रहा है, सारे बालक आश्चर्यचकित हो गए और दौड़कर चले गए वहां से। परीक्षित जी का अनशन व्रत, शुकदेव गोस्वामी जी का पूजन हुआ, और फिर परीक्षित जी ने श्री शुकदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करके उनसे कुछ प्रश्न किए, जिन प्रश्न और उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण
जिनको महापुराण कहा गया, क्योंकि पुराण में 5 लक्षण और महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मनवंत्र ईश अनुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय 10 लक्षण युक्त किसी ग्रंथ को महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत जी में यही 10 लक्षण है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला, पंचम स्कंद में पोषणम, षष्ठ स्कंद में सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम और सप्तम स्कंद उति, अष्टम स्कंद मनवंत्र, नवम स्कंद ईश अनुकथा, दशम स्कंद निरोध और एकादश स्कंद निरोध और द्वादश स्कंद मुक्ति और दशम स्कंद आश्रय। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रित आश्रित विग्रहम कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि। 10 लक्षण श्रीमद् भागवत जी में वर्णन हुए। आगे की कथा को कल हम श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, आप सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। हमारे दोनों स्थानों पर आरती हो रही है। मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था, अंबाला में श्री कुंज बिहारी गोड़िया मठ में, वहां पर देखो सब भक्त लोग बैठे और वहां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन हो रहा है। पुजारी जी वहां पर आरती करेंगे और दूसरी ओर श्री राधा माधव गौड़िया मठ में श्री राधा माधव जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ सुंदर गोपाल प्रभु, आप एक भजन छोटा सा कोई भजन गाकर कथा का विश्राम देंगे। और कथा भजन लंबा भी कर सकते हो, सभी भक्त सुनना चाहे हमारा क्या जाता है। हाँ, और इतने में ही हमारे पुजारी, दोनों पुजारी जी आप लोग आरती के लिए उपस्थित हो जाएं, जब तक हमारे सुंदर गोपाल प्रभु भजन गाएंगे और सभी भक्त लोग अपने घर बैठे बैठे आरती का दर्शन करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।